नहीं मिल पाया था। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा चर्चा करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है वो हम देखेंगे। रियल इस्टेट रेगुलेशन के लिए ये कानून बना था 2016 में। इसका पूरा नाम है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसमें रेरा जिसको हम कहते हैं वो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन जो अधिनियम का नाम है वो है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। पहले हम इसका थोड़ा हिंदी में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके बाद फिर हम इसके इम्पोर्टेंट प्रावधान देखेंगे। पूरा एक्ट तो काफ़ी बड़ा है लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंट प्रावधान केवल इसके स्टडी करेंगे। तो रियल इस्टेट हिंदी में इसका होता है विनियमन और विकास अधिनियम 2016। तो भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घरेलू खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ स्थावर संपदा रियल इस्टेट जो अचल संपत्ति है में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके पहले जैसे पिछले वेबिनार में हमने देखा था कि बिल्डर्स की मनमानी होती है, लोग जिंदगी भर की कमाई अपनी लगाते हैं और इसमें रोटी कपड़ा और मकान में जो मकान की आवश्यकता है वो एक जरूरी है सबके लिए, और वो मकान खरीदना या किराए पे लेना या बनाना, ये दो विकल्प हमारे पास होते हैं। तो कुछ लोग किराए से लेते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, और जो बनाते हैं उसमें पैसा जब रियल इस्टेट डेवलपर्स को दिया जाता है बिल्डर्स को, तो उसमें अक्सर धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इनको रेगुलेशन करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। ये अधिनियम राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को तथा लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित हुआ था। इसके 92 में से 69 धाराओं को लागू करते हुए इस अधिनियम को 1 मई 2016 से लागू कर दिया गया, और इसके बाद फिर बची हुई धारा है वो 2017 में लागू कर दी गई। तो इस तरह से पूरा अधिनियम अब प्रभावी हो गया है। अब इसके जो मुख्य प्रावधान ये है कि राज्य स्तर पर रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के गठन का प्रावधान। तो 28 + 8 = 36, मतलब सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रेरा बन गए हैं। सभी के रूल्स भी बन गए हैं, विकिपीडिया पर इसकी लिंक्स भी दी गई है। तो ये पूरे सबके रूल्स करीब करीब सिमिलर है बट अलग अलग है। तो अपने अपने स्टेट के, क्योंकि ये नेशनल मीटिंग में सभी लोग अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं, तो अपने अपने स्टेट से संबंधित जो रूल्स होते हैं, जो रूल मेकिंग पावर्स है उसके तहत बनाए हुए हैं, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो अधिनियम है, सेंट्रल एक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट प्रावधान देखेंगे। त्वरित न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का 60 दिन के भीतर समाधान। अब इसमें टाइम बाउंड डिस्पोजल है कि 60 दिन के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं वो इसको डिस्पोज करेंगे। अब इसके अप्लीकेबिलिटी कौन से बिल्डिंग पर लागू होता है, तो 500 वर्ग मीटर या 8 अपार्टमेंट तक की निर्माण योजनाओं को छोड़कर, मतलब इससे ज़्यादा जो भी है, 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा, सभी निर्माण योजनाओं को रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो इसमें एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो बिल्डर्स है, रियल इस्टेट एजेंट्स है, सबके रजिस्ट्रेशन के प्रावधान है। ग्राहकों से ली गई 70% धनराशि को अलग बैंक में रखना है एवं उसका केवल निर्माण कार्य में प्रयोग का प्रावधान, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्डर उसको किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो 70% धनराशि को एक बैंक में रखने का और उसको केवल निर्माण में प्रयोग करने का प्रावधान इसमें किया गया है। परियोजना संबंधी जानकारी, अब इसमें भी एक तरह का आरटीआई है कि क्या क्या उनको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है। तो जो प्रोजेक्ट है तो इसमें परियोजना संबंधी जानकारी जैसे प्रोजेक्ट का लेआउट, स्वीकृति, ठेकेदार एवं प्रोजेक्ट की मियाद का विवरण, मतलब उसका ड्यूरेशन कब तक, टारगेट डेट ऑफ कम्प्लीशन क्या है, खरीदार को अनिवार्यता देने का प्रावधान। दूसरा, पूर्व सूचित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा न करने पर बिल्डर द्वारा उपभोक्ता को ब्याज के भुगतान का प्रावधान। तो इसमें 9% ब्याज पर जो है वो राशि उसको वापस करने का भी प्रावधान है और ये वापस दिला सकता है। इसमें दोनों प्रावधान है, धनराशि और ब्याज देने का, और ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। यह उसी दर पर होगा जिस दर पर वह भुगतान में हुई चूक के लिए उपभोक्ता से ब्याज वसूलता, मतलब वो जिस रेट से ब्याज ले रहा है उसी रेट से उसको उपभोक्ता को भी देना पड़ेगा यदि वह टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन के तक कंप्लीट नहीं करता है। तो रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना की स्थिति में बिल्डर के लिए 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान एवं रियल इस्टेट एजेंट और उपभोक्ता के लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान। तो इसमें 3 साल और 1 साल तक की सजा है इम्प्रिजनमेंट।
अब इसका जो इतिहास हम देखते हैं कि स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए कानून का प्रस्ताव पहली बार जनवरी 2009 में राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के आवास मंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक में पारित किया गया था। इसके बाद फिर इसको इंप्लीमेंट करते हुए संसद में आया। सो आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जो इसमें अर्बन और रूरल एरिया के लिए अलग अलग है, तो नई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया था। नई संबंध में 8 वर्षों के लंबे प्रयासों के बाद 1 मई 2016 को प्रभावी होने वाले इस अधिनियम में अधिनियम के कुल 92 अनुच्छेदों में के 69 को अधिसूचित किया और बचे हुए अनुच्छेद फिर 2017 से लागू हो गए। 1 मई 2016 को अधिनियम के प्रारंभ होने की अधिसूचना के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अधिनियम की धारा 84 इसमें रूल मेकिंग पावर्स है दोनों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब केंद्र और राज्य सरकार को के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2016 तक अधिकतम 6 माह की अवधि के भीतर नियम तैयार करने होंगे। और ये सभी 36 मतलब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी सबने नियम बना लिए है और ये लागू भी हो गए। विधायिकाओं से रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जबकि दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय नियम बनाएगा। तो यूनियन टेरिटरी के लिए अलग प्रावधान थे। तो इसमें जो आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है अर्बन डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्ट्री उन्होंने यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बना लिए और दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने बनाए। और 1 मई 2017 से यह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया। तो इस तरह से 2 स्टेज में इसको लागू किया गया, 1 मई से पूरा प्रभावी हो गया। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम देखते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच सीम्स टू प्रोटेक्ट होम बायर्स एज वेल एज हेल्प बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द रियल इस्टेट इंडस्ट्री। द एक्ट एस्टैब्लिशेस रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सभी स्टेट में बने हुए हैं, इन ईच स्टेट फॉर रेगुलेशन ऑफ द रियल इस्टेट सेक्टर एंड ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडजुडिकेटिंग बॉडी फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें दो तरह की बॉडी है, एक तो रेरा है, रेरा के ऊपर फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है और अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक कोर्ट है वो तो होते ही है। सो द बिल वॉज पास बाय द राज्यसभा ऑन 10 मार्च 2016 एंड बाय लोकसभा ऑन 15 मार्च 2016। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मई 2016 विद 61 ऑफ 92 सेक्शंस नोटिफाइड एंड द रिमेनिंग प्रोविजन्स केम इनटू फोर्स ऑन 1 मई 2017। तो इस तरह से 1 साल इसको प्रभावी होने में लग गया, पहले 61 सेक्शन और उसके बाद फिर बचे हुए सभी से 31 सेक्शन। इस तरह से 1 मई 2017 से पूरी तरह प्रभावी हो गया। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर लाइबल टू नोटिफाई द रूल्स अंडर द एक्ट विद इन अ स्टैचुटरी पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो सभी ने नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो ये तो इसका हिस्ट्री हुआ। तो पहली बार ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। इन दिसंबर 2015 द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैड अप्रूव 20 मेजर अमेंडमेंट्स टू द बिल बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा कमेटी दैट एग्जामिन द बिल। अब 15 जो संशोधन इसमें थे बिल में उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए 2016 में ये फाइनल ड्राफ्ट बन गया। द बिल हैड बीन रेफर्ड टू अ सिलेक्शन कमेटी व्हिच हैड गिवन इट्स रिपोर्ट इन जुलाई 2015। हाउएवर कांग्रेस लेफ्ट एंड एआईएडीएमके हैड एक्सप्रेस देयर रिजर्वेशंस ऑन द रिपोर्ट थ्रू डिसेंट नोट्स। इसमें जो विपक्ष ने इस पर कुछ डिसेंट नोट्स या जो अपने विरोध के जो नोट्स है वो भी दिए थे जो पब्लिश किए जाते हैं पार्लियामेंट संसद डॉट आईएन पे। द राज्यसभा अप्रूव द बिल ऑन 10 मार्च 2016 एंड लोकसभा अप्रूव इट ऑन 15 मार्च 2016। सब्सिक्वेंटली बाय द पावर्स वेस्टेड बाय सेक्शन 1 ऑफ द रेरा एक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन बाय नोटिफिकेशन एसओ 1544E डेटेड ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 26/4/2016 नोटिफाइड 61 सेक्शन आउट ऑफ 92 सेक्शंस ऑन 1 मई 2016 एडवाइड नोटिफिकेशन एसओ 1216E डेटेड 19/4/2017 नोटिफाइड द रिमेनिंग 31 सेक्शन। तो 2 स्टेज में ये लागू हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 10 चैप्टर है और बड़ा एक्ट है, 92 सेक्शंस है। पूरा हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन रीडिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम देख लेंगे। द एक्ट स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल प्रोवाइड टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड रियल इस्टेट एजेंट्स। तो पहले इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक चैप्टर है कि सभी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स और रियल इस्टेट एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा विथ रेरा। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज अबाउट रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें इसके अलावा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल भी है, रियल इस्टेट एपिक ट्रिब्यूनल है जिनको क्रिमिनल पावर्स भी है, वेरियस ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन
एंड अबाउट फाइनेंसियस अकाउंट्स ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स एंड अदर मिसेलेनियस प्रोविजंस। तो इस तरह से इसका 10 चैप्टर में स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं डिटेल में कि ये जो आउटलाइन है, पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी जिसमें दो सेक्शन है, दूसरा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल इस्टेट एजेंट्स, इसमें सेक्शन 3 से 10 तक है। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर 11 से 18 तक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज सेक्शन 19 में दिया है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में दिया है 20 से 40, इस तरह से 21 सेक्शंस है। फिर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के 2 सेक्शंस है, 41 और 42, चैप्टर 6 में दिया है। चैप्टर 7 में रियल इस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल दिया गया है 43 to 58। तो रेरा के ऑर्डर को अपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिर ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, ये 59 से 72 तक है। चैप्टर 9 में फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट्स के बारे में है 73 to 78, और चैप्टर 10 मिसलेनियस है 79 to 92। इस तरह से 10 चैप्टर, 92 सेक्शंस का ये अधिनियम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अधिनियम का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में, इसमें जो डेफिनेशंस है इसमें एडवर्टाइजमेंट, अलॉटी, अपार्टमेंट, कारपेट एरिया, कॉमन एरियाज, इंटरेस्ट, प्लानिंग एरिया, प्रोमोटर, प्रोस्पेक्टस, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, सैंक्शन प्लान और सेविंग क्लॉज, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस है, 26 से ज़्यादा है। अब इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और रियल इस्टेट एजेंट्स दोनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और चूंकि ये 2016 का अधिनियम है तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन करने का भी प्रावधान है। तो द एक्ट एंडेड्स द रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ ए रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल इस्टेट एजेंट एंड रिलेटेड प्रोविजन अंडर सेक्शन 3। सब सेक्शन 1 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स टू रजिस्टर विद रेरा फॉर लॉन्चिंग ए प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन प्रोजेक्ट मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि इसमें भी पारदर्शिता लाने के लिए इनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना जरूरी है। फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स विच हैव नॉट रिसीव्ड ए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विल हैव टू सीक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 मंथ्स। तो पेंडिंग प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने का अवधि दिया था कि वो रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन अपना करा ले। ईच स्टेट रेरा मस्ट आइदर अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द प्रोमोटर। रेरा के लिए भी टाइम लिमिट है कि 30 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे कारण बताते हुए। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन प्रोमोटर ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट विल बी प्रोवाइडेड विद अ रजिस्ट्रेशन नंबर, ए लॉग इन आईडी एंड ए पासवर्ड टू फिल अप द इसेंशियल डिटेल्स ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टेट रेरा। अब ये भी एक ऑटोमेटेड कर दिया गया है कि जो डेटा एंट्री लोग अपने खुद ही करेंगे, तो जो प्रोमोटर है वो खुद वेबसाइट पर जाके अपने डिटेल भर देगा ऑनलाइन, ताकि रेरा की वेबसाइट पर आ जाए। इफ द प्रोमोटर फेल्स टू रजिस्टर ही शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी दैट मे एक्सटेंड अप टू ए पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट की 10% तक का पेनल्टी इसमें हो सकता है, पेनल्टी सिविल होती है। फर्दर मोर इफ इट डज नॉट कॉम्प्लाई विद द ऑर्डर्स डायरेक्शंस और डिसीजन इशूड बाय द स्टेट रेरा ही शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स और विद ए फाइन विच में एक्सटेंड अप टू फर्दर 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यदि वो रेरा की डायरेक्शन को नहीं मानता है तो फिर इसमें 3 साल की कह दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% तक फाइन भी हो सकता है, ये पेनल्टी के अतिरिक्त है। रियल इस्टेट एजेंट्स वो फैसिलिटेट द सेलिंग और परचेस ऑफ प्रॉपर्टीज, जो एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं मस्ट टेक प्रायर रजिस्ट्रेशन। सच एजेंट्स विल बी इशूड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच मस्ट बी कोटेड बाय द एजेंट इन एवरी सेल फैसिलिटेटेड बाय हिम। जहाँ जहाँ पर वो एजेंट है तो वहाँ पर अपना वो एजेंट नंबर भी बताएगा कि उसका रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो इस तरह से रियल इस्टेट एजेंट्स के जो प्रोफेशन को रेगुलेट कर दिया गया। इफ ए रियल इस्टेट एजेंट फेल्स टू रजिस्टर और कॉन्ट्रावीन सेक्शन 9 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट एंड सेक्शन 10 दैट इज फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ ए रियल इस्टेट एजेंट ही शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पेबल एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। इसमें ₹10,000 प्रतिदिन के हिसाब से इसमें पेनल्टी होगी जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता अपना। दिस पेनल्टी में क्यूमुलेटिवली एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की 5% तक ये बढ़ाई जा सकती है पेनल्टी, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के 5% तक अधिकतम पेनल्टी हो सकती है। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेरा एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल, इसमें दो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, दोनों के अलग अलग पावर्स है। तो ये समझना पड़ेगा कि रेरा क्या है और अपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है। सो द एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 20 एंड 43 ऑफ द एक्ट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश स्टेट लेवल रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू रेगुलेट द सेक्शन थैंक्स से
ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर दैट टाइमली कंप्लीशन एंड हैंड ओवर। तो रेरा जो है ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को देखता है, रेसिडेंशियल आवासीय और कमर्शियल। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू एडजुडिकेट केसेस इन 60 डेज एज अगेंस्ट द अर्लियर प्रोविजन ऑफ 90 डेज। पहले इसमें 90 डेज था, लेकिन बाद में एपेलेट ट्रिब्यूनल को टाइम और कम कर दिया गया कि 60 दिन के अंदर वो एडजुडिकेशन करे। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू डिस्पोज ऑफ कंप्लेंट्स इन 60 डेज वाइल नो टाइम फ्रेम वॉज इंडिकेटेड इन द अर्लियर बिल। ये बिल के बाद जो राज्यसभा ने इसमें संशोधन सुझाए थे, तो उसके बाद ये एक्ट जब पास हुआ तो इसमें फिर 60 डेज का प्रावधान कर दिया गया जो इनिशियली 90 डेज का प्रपोज था। और इतने टाइम के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कंप्लेंट को 60 दिन के अंदर डिस्पोज करना है, और अपेलेट ट्रिब्यूनल को भी एडजुडिकेशन 60 दिन के अंदर करना है। अब इसमें जो ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन के जो सेक्शंस है ये 59 to 72 में दिया है, चैप्टर 8 में। इसमें ऑफेंसेस पेनल्टीज और एडजुडिकेशन ये तीनों के बारे में प्रावधान है। जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है सेक्शन 59, 60 और 62, ये तीन सेक्शन है इसमें। इसमें पनिशमेंट टू द प्रोमोटर और रियल इस्टेट एजेंट्स है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। और फिर इसमें जो पेनल्टी दी गई है, तो इसमें 59(1) में प्रोमोटर को पेनल्टी है। ये प्रोमोटर कॉन्ट्रावेंस सेक्शन 3, द अमाउंट में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। और इसमें कोई फाइन है तो इसमें क्लबिंग नहीं हो सकता, पनिशमेंट इसमें कैद नहीं है। सब सेक्शन 2 में ये प्रमोटर नॉट फॉलो द ऑर्डर डिसीजन और डायरेक्शंस इशूड अंडर सबसेक्शन 1, अमाउंट एज स्टेटेड अंडर सबसेक्शन 1 प्लस अमाउंट विच में फर्दर एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टैब्लिश एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो जो सबसेक्शन 1 में दिया है वो 10% प्लस और 10% तक कॉस्ट हो सकता है, इतना फाइन हो सकता है। द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स। तो अथॉरिटी का ऑर्डर न मानने पर कैद हो सकती है, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। सेक्शन 60 में प्रमोटर के लिए कि प्रमोटर प्रोवाइड्स फॉल इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 4, जो ऑनलाइन उसको डिटेल भरने हैं। द अमाउंट में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, और इसमें केवल फाइन हो सकता है। सेक्शन 62 में रियल इस्टेट एजेंट के बारे में प्रावधान है, इनको क्या पेनल्टी हो सकती है। इफ एनी रियल इस्टेट एजेंट फेल्स टू कॉम्प्लाई विद सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ द एक्ट, अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, इट मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। इसमें भी केवल फाइन हो सकता है, क्लबिंग इसमें लागू नहीं होता है। इसके बाद सेक्शन 63 है प्रोमोटर के लिए। तो रेरा का ऑर्डर यदि वो नहीं मानता है, सो पेनल्टी फॉर ईच एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो इसमें 5% कॉस्ट तक जुर्माना हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है। इसके बाद प्रमोटर के लिए सेक्शन 64 है, रेरा के ऑर्डर यदि वो नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो सेक्शन 64 में कैद भी हो सकती है। रियल इस्टेट एजेंट यदि रेरा के ऑर्डर नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, और इसमें केवल फाइन हो सकता है। सेक्शन 66 में रियल इस्टेट एजेंट के बारे में है, ये रेरा के ऑर्डर यदि नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। इसके बाद जो अलॉटी होता है, अलॉटी की भी कुछ ड्यूटी होती है कि टाइम टू टाइम वो बिल्डर को पेमेंट करे वो एग्रीमेंट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तो रेरा के ऑर्डर यदि वो अलॉटी नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो इसमें केवल फाइन हो सकता है अलॉटी को। अलॉटी को फाइन का और एक प्रोविजन है 68। तो रियल इस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को न मानने पर 10% तक ये हो सकता है जुर्माना। टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो इस तरह से सभी को के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब जो होम बायर से इनको क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, तो एक्ट प्रोहिबिट्स अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम बीइंग पम्प्ड इनटू द सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या जो ब्लैक मनी होता है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो एज ऑफ नाउ 70% ऑफ द मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट थ्रू चेक्स कंपल्सरीली।
अब चूंकि वो बैंक में डिपॉजिट करना आवश्यक है ताकि जिस पर्पज के लिए है, एक तो वो कहाँ से आ रहा है और दूसरी बात वो उसी पर्पज के लिए हो जिस पर्पज के लिए वो पैसा लिया गया है अलॉटीज से। ए मेजर बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स इंक्लूडेड इन द एक्ट इज दैट बिल्डर्स विल हैव टू कोट प्राइजेस बेस्ड ऑन कार्पेट एरिया एंड नॉट ऑन सुपर बिल्टअप एरिया। तो जो कार्पेट एरिया हो उसके आधार पर उनको प्राइस कोट करना पड़ेगा। द एक्ट स्टेट दैट द कार्पेट एरिया, ये सब सेक्शन 2 में डिफाइंड है कार्पेट एरिया की डेफिनेशन वगैरह। सो द एक्ट स्टेट दैट कार्पेट एरिया इंक्लूड यूजेबल स्पेसेस लाइक किचन एंड टॉयलेट्स। तो इसमें जिस चीज को यूज कर सकते हैं किचन और टॉयलेट भी इंक्लूडेड है। अंडर रेरा इट इज मैंडेटरी फॉर द बिल्डर्स टू डिस्क्लोज द कार्पेट एरिया। तो पहले जो कार्पेट एरिया बताते नहीं थे वो इसमें कंपलसरी कर दिया गया कि कार्पेट एरिया भी एक्चुअली बताए। अब इसमें जो स्टेट के अलग अलग पावर्स है ये सेक्शन 84 में दिए है। सो सेक्शन 84 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट विद इन 6 months ऑफ द एक्ट बीइंग एनफोर्स्ड ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द सेड रूल्स आर टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सभी ने नोटिफाई कर दिए है 2017 तक और उसके बाद फिर ये एक्ट पूरा एनफोर्स हो गया है। एज लेट एज 31 अक्टूबर 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज द रेरा जनरल रूल्स 2016। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल बना लिए अपने लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। वाइट नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन हुपा। द रूल्स वर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर अप्लीकेबल टू द 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। जहाँ पे विधानसभा नहीं है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। उसके बाद फिर 2019 में ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू कर दिए गए। द रूल्स हैव बीन इशूड आफ्टर द प्रायर रिलीज ऑफ ड्राफ्ट फॉर कॉमेंट्स। तो पहले ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, ड्राफ्ट फॉर जो कॉमेंट्स आ गई उस कॉमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये रूल्स नोटिफाई कर दिए गए। एज ऑफ 13 जुलाई 2019 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड नागालैंड हैव नॉट नोटिफाइड द रूल्स। तो इन्होंने 2019 तक नोटिफाई नहीं किए थे। इन द केस ऑफ 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द रेरा एक्ट इज फेसिंग सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस एज द लैंड इन दोज स्टेट्स आर कम्युनिटी ओन्ड। तो इसमें संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है इनके लिए, जैसा जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370 था उस तरह से। तो इसमें 371 ऑनवर्ड्स जो कुछ स्पेशल प्रावधान है संविधान की वजह से, तो इसमें कम्युनिटी ओनरशिप की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल नोटिफाइड ए सिमिलर लॉ कॉल्ड द वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी एक्ट 2017 विच केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2018। हाउएवर एज ऑफ जुलाई 2019 मेनी स्टेट्स हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द लॉ एंड फेल टू नोटिफाई परमानेंट रेगुलेटर, एपेलेट अथॉरिटी और ए वेबसाइट। ए चार्ट शोइंग इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस बाई डिफरेंट स्टेट्स एज ऑफ जुलाई 2019 कैन बी सीन हियर। तो इसमें अलग अलग स्टेट के जो रूल्स है उसके लिंक्स है और ये कब इन्होंने नोटिफाई किए है, तो ये है। तो कुछ स्टेट्स छोड़कर बाकी सब जगह पर ये फोर्स में 2019 तक, एक 13 जुलाई 2019 तक ये आ गया था। तो ये अलग अलग स्टेट्स का 36 मतलब 28+8 यूनियन टेरिटरीज मिलाकर ये इसका स्टेटस है। इसके जो सेक्शंस है उसकी जो अरेंजमेंट है, इसमें सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, दूसरे चैप्टर में सेक्शन 3 है प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेक्शन 4 में अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स है जिसमें नए और जो पेंडिंग है, पेंडिंग के लिए 3 महीने टाइम दिया गया था कि वो रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मतलब उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे उसको वापस लिया जाएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें अथॉरिटी क्या कर सकती है, वो ऑब्लिगेशन दी है जब वो रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया या जब वो रिवोक हो गया, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट एंड फंक्शन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट्स। तो ये सेक्शन 9 और 10 में। चैप्टर 3 में प्रमोटर की ड्यूटीज है जिनको बिल्डर्स हम बोलते हैं। तो फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस, कि इसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन वो ना करे, तो जो इसकी जो ट्रूथफुलनेस है उसके बारे में वो सच्चाई से अपने अलॉटीज को बताए। नो डिपॉजिट या कंज्यूमर्स को नो डिपॉजिट और एडवांस टू बी टेकन बाय प्रमोटर विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इन टू एग्रीमेंट फॉर सेल। तो वो एग्रीमेंट होने के बाद ही वो पैसा लेगा। एडहरेंस टू सैंक्शन प्लान एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रोमोटर। तो एक तो स्पेसिफिकेशन जो दिए रहेंगे उसी के मुताबिक और जो सैंक्शन प्लान है उसी के मुताबिक वो कंस्ट्रक्शन करेगा, इसमें कोई डेविएशन ना हो। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए रियल इस्टेट प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी। अब यदि थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेगा तो कैसे करेगा, वो 15 में दिया है। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमोटर रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, तो इसमें इंश्योरेंस भी उसको कराना होगा।
ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पेंसेशन। तो ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 में से भी एक ही सेक्शन है जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज है, ये भी उनको अपने बारे में जो टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह करना है तो ये है, अदरवाइज 1 साल की कैद का प्रावधान है ऑफेंसेस में अलग से। चैप्टर 5 में रेरा के बारे में दिया गया है, 21 सेक्शंस है, तो ये 2 स्लाइड्स में हम देखेंगे क्या इनके बारे में दिया है। तो एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, फिर सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चेयरपर्सन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी, मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी, वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ अथॉरिटी। तो कोई वैकेंसी है तब भी अथॉरिटी काम कर सकती है। फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर्स, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, पावर्स ऑफ अथॉरिटी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर्स, पावर्स ऑफ अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, पावर्स ऑफ अथॉरिटी और रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर एटसेट्रा, ये सब रेरा के बारे में चैप्टर 5 में दिया है। चैप्टर 6 में फिर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में 2 सेक्शंस है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। चैप्टर 7 में अपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कहा है, जिनको क्रिमिनल पावर्स भी होते हैं 3 साल तक की कैद के। तो द रियल इस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये रेरा के ऑर्डर को अपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज किया जा सकता है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रियल इस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड अपील्स टू अपेलेट ट्रिब्यूनल, कंपोजिशन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर फ्रॉम ऑफिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और रिस्ट्रिक्शन ऑन चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस। इसका चैप्टर 7 में ही ये भी सेक्शंस है, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल, वैकेंसीज, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल, वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्डर्स पास बाय अपेलेट ट्रिब्यूनल टू बी एग्जीक्यूटेबल एज ए डिक्री एंड अपील टू हाई कोर्ट। तो अपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चैप्टर 8 में ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन है। तो 59 में पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 है, 60 में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 है, 61 में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है, 62 में पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 9 एंड 10 है, सेक्शन 63 में पेनल्टी है फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाई प्रमोटर, 64 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल बाई प्रमोटर, एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को न मानने पर कैद भी हो सकती है, एंड पेनल 65 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाई रियल इस्टेट एजेंट, 66 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल बाई रियल इस्टेट एजेंट। तो पहले प्रोमोटर के बारे में 2 सेक्शन थे, फिर रियल इस्टेट एजेंट के बारे में 2 सेक्शन थे, अगले 2 सेक्शन अलॉटीज के बारे में। तो 67 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाय अलॉटी, 68 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल बाय अलॉटी, 69 में ऑफेंसेस बाय कंपनीज है। तो इसमें जो कंपनीज है उनके जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो पदाधिकारी है उनको सजा हो सकती है, कंपनी को जुर्माना हो सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 70 है, कॉम्प्रोमाइज के बारे में दिया गया है। 71 में पावर टू एडजुडिकेट है और 72 में फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कि कितना सजा दिया जाए या कितना पेनल्टी किया जाए, कितना फाइन किया जाए, ये कैसे तय होगा, ये 72 में दिया है। चैप्टर 9 में फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स है, जिसमें 73 में ग्रांट्स एंड लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, 74 में ग्रांट्स एंड लोन्स बाय स्टेट गवर्नमेंट है, 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड है, 76 में क्रेडिटिंग सम्स रियलाइज बाय वे ऑफ पेनल्टीज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट अकाउंट, 77 में बजट अकाउंट्स एंड ऑडिट है, 78 में एनुअल रिपोर्ट है। इसके बाद जो आखिरी चैप्टर है मिसलेनियस, तो इसमें पहले बार ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट बन गया है तो इसमें ऑर्डिनरी कोर्ट्स इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस 81 में डेलीगेशन है, 82 में पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इसको सुपरसीड कर सकती है।
83 में पावर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। 84 में पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये रूल मेकिंग पावर है जिसके तहत सभी स्टेट्स ने और यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। 85 में पावर टू मेक रेगुलेशंस है, और 86 में लेइंग ऑफ रूल्स है। 87 में मेंबर्स एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, तो पब्लिक सर्वेंट के जो प्रोटेक्शन है और पब्लिक सर्वेंट की जो लाइबिलिटी है वो इनको है आईपीसी में या बीएनएस में। अप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज एंड नॉट बार्ड एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। 90 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 91 में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है, और 92 में रिपील। इस तरह से ये 10 चैप्टर में 92 सेक्शंस का एक बड़ा एक्ट है इसका जो तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो इस पर प्रश्न और चर्चा हम कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। हाँ, हमारे बीच में शैलेश सर भी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करें सर, सादर अभिनंदन। और आप लोगों के जो प्रश्न हैं तो आप लोग कृपया अपने प्रश्न यहाँ कार्यक्रम में रखें हैंड रेज करते हुए। और शैलेश सर, आप इस विषय पर कुछ अनुभव यदि आपके हैं, जैसे आप सूचना आयुक्त भी रहे और वहाँ पर रेरा से संबंधित किस प्रकार की आरटीआई या इस तरह से लोग पूछते थे, और क्या कुछ ऐसी अपीलें आपके पास आई? हालांकि पिछली बार भी आपने कुछ मार्गदर्शन दिया था, तो उसको एक जी, बार पुनः इसमें आप इसमें जी। कोई मेरे कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और हाँ जब मैं कमिश्नर था तब रेरा नहीं आया था, अच्छा, हाँ रेरा उसके बाद आया है, तो मुझे राइट कोई अनुभव नहीं है, मैं सिर्फ सुनने को आया था इसके बारे में। जी। तो ठीक है सर, यदि आरटीआई से क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं तो हम आपका मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त करेंगे। बाकी हमारे जो अन्य साथी हैं, अपनी बात, राज तिवारी जी, आपका कोई प्रश्न है रेरा से संबंधित? देवेंद्र अग्रवाल जी, आप इसमें कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं? बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा बीरेंद्र जी का, और जिन लोगों को इसमें रुचि है, कुलदीप जी आए नहीं जुड़े क्या? कुलदीप जी की रेरा में विशेष रुचि थी और उन्होंने इस टॉपिक को भी एक दोबारा रेकमेंड किया था कि इस पर अपन चर्चा करें। तो फिर भी देवेन जी, इसमें कुछ आपके यदि अनुभव हैं और कोई प्रश्न है तो आप जरूर इसमें अपनी बात रखिए, मेरा है प्रश्न है, इसमें मैं कुछ ना? जानना चाहता हूँ बीरेन जी से। बीरेन जी, हमारे बीच के एक साथी हैं आशीष तांडी जी। हाँ उन्होंने जी जो है रायपुर शहर के अंदर में जो नहर निकलती थी, जिससे पानी का संचारण हो रहा था, उस नहर की भूमियों पर कब्जा करके, अनाधिकृत तौर पर कब्जे करके उसमें भवन बना दिए गए, और वो नहर छोटी छोटी होते होते वो नाली का रूप ले ली। तो क्या ऐसे मामलों में रेरा कुछ कार्य कर सकती है? हाँ जी, इसमें रेरा में चूंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो इसमें क्या है कि जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और उनको जो प्लान और ये सब भी बताना है, तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा वो तो देखती है। उसके अलावा एक लोकल भी होती है, जो हर जो सिटी प्लान होता है वो नॉर्मली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमडीडीए है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनको भी पावर्स होते हैं अपने अपने जो प्रावधान है उसके तहत, तो ये जो है उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। और यदि पब्लिक प्लेस पर यदि एनक्रोचमेंट किया गया है तब तो वो अवैधानिक है और वो गिराया भी जा सकता है। तो ये सब प्रावधान इसमें मुद्दे की है। बात ये हो रही है कि वो जो नहर है, 4 किलोमीटर लंबी नहर है, और रायपुर क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा बड़ा और डेवलप एरिया है, और सारे रिहायशी और पॉश इलाके जहाँ से ये नहर गुजर रही है, उस पूरे के पूरे नहर पर जो कब्जे हुए वो इतने बड़े तादाद पर है कि कई बार ऐसे मामले हाईकोर्ट में आशीष तांडी जी लेके गए थे, वहां से डायरेक्शन भी हुआ, डायरेक्शन के बाद अवमानना भी लगी, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो ऐसे मामले में क्या हो सकता है?
ऐसे मतलब एग्जीक्यूशन डिक्री होता है, जो ऑर्डर हो जाता है तो इसको फिर एग्जीक्यूट कराने का प्रक्रिया होता है, और एग्जीक्यूशन के भी पावर चूंकि रेरा में दिए गए हैं, तो पहली बात तो है कि रेरा के ऑर्डर को अपेलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है, और फिर भी ना हो तो अवमानना की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। तो रेरा क्या रिकमेंडरी नहीं एजेंसी है कि कुछ इसमें एग्जीक्यूशन भी करती है? नहीं रेरा को बहुत पावर से, ये है तो गवर्नमेंट की ही है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और इसके ऊपर फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल है जो एक तरह का जुडिशियल ये है, तो रेरा को भी पावर्स है पेनल्टी वगैरह लगाने के, सिविल पावर्स है उनको, और इसमें फिर जो क्रिमिनल ऑफेंस जब हो जाता है तो फिर वो अपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने जाता है। तो इस तरह से दोनों ही तरह के कोर्ट, इसमें स्पेशल कोर्ट जिसको हम कह सकते हैं, या जो एडजुडिकेटरी बॉडीज है, ये स्थापित की गई है ताकि इसमें टाइम बाउंड तरीके से निर्णय हो सके, और दोनों के लिए लिमिट 60 दिन है, ये हमने देखा है। इस मामले में जो एक खास बात और आ रही है, जो इशू बन रही है, वो इशू ये बन रहा है कि जिन लोगों ने वो जमीनें खरीदी थी, जिन लोगों से खरीदी थी, उन लोगों ने उनको गलत जानकारी देते हुए उस जमीन को उनको सेल आउट किया, और वो लोग अब जो है उनके अगेंस्ट जाने की जगह अपने आप को एक पीड़ित बताकर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए और इस पर एग्जीक्यूशन बॉडी एक्चुअली कौन होगी? ये तो केस में जो इन लोगों के जो प्लीडिंग्स होते हैं, है ना, किसने क्या पिटीशन फाइल किया, किसने क्या काउंटर दिया, किसने क्या रिजॉइंडर दिया, तो उसका देखकर केस टू केस पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो दिया वो सही दिया या नहीं दिया। फिर इसमें एविडेंस भी होता है, एविडेंस में हर पार्टी की एग्जामिनेशन ली जा सकती है, तो अपने अपने वकील भी वो रख सकते हैं, और उसका जो एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये सब लिया जा सकता है, तो उसके बाद इसमें निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए इंडिविजुअल केस पर कमेंट करना तो मुश्किल है, लेकिन उस केस के मेरिट्स जो होते हैं उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ये तो हर पार्टी का राइट है अपने अपने को रिप्रेजेंट करने का। अगर बिल्डर्स अपने आप को रेरा में पंजीयन ना कराए तब हम क्या तब कर तो सकते हैं? इसमें पेनल्टी दी हुई है, स्टैंडर्ड पेनल्टी है जो इसमें दिया है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में पंजीयन है, तो इसमें रेरा को कंप्लेंट की जा सकती है, और रेरा इस मामले में पेनल्टी कर सकता है। क्योंकि जैसे रायपुर में मेरे ध्यान पे जैसे आ रहा है, हमारे आसपास में कई सारी कॉलोनी और बिल्डिंग्स डेवलप्ड हैं जो रेरा से नहीं है, ना ही उनको निगम से कोई सर्विसेज मिल रही है। उन लोग अनाधिकृत तौर पे अपने जो सीवरेज लाइन है वो निगम की लाइन पे ऐड कर दिए हैं, हालांकि वो सब जानते हैं कि वो सीवरेज हो या जितनी भी फैसिलिटी है वो अनाधिकृत तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वो मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं, जो डेवलपमेंट एजेंसी जो डिजाइन करी है शहर को उसका हिस्सा नहीं। कहीं ना कहीं डिजाइन या ड्राइंग में कुछ डिस्प्यूटेड कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग रेरा में पंजीयन नहीं करा रहे हैं। तो इस पर जैसे हम चूंकि उससे जुड़े हुए नहीं है, तो क्या हम इस पे कुछ कर सकते हैं रेरा के जरिए? रेरा को कंप्लेंट की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, इसमें इनको पावर्स है, तो पंजीयन न कराना ये नॉर्मली सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का उल्लंघन है, तो इसलिए सभी को, एजेंट्स को भी और जो बिल्डर्स है प्रमोटर्स, इनको भी पंजीयन कराना जरूरी है। और इसमें जो पेनल्टी है वो भी हमने देखा कि सेक्शन 3 का यदि वायोलेशन हो, कि प्रमोटर यदि कॉन्ट्रावेंट करता है, प्रमोटर मतलब बिल्डर, तो फिर ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक पेनल्टी हो सकती है, और यदि प्रमोटर है वो ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो फिर इसमें कैद भी हो सकती है 3 साल तक की, इस तरह का 59 में है। और इसके बाद फिर सेक्शन 4 का उल्लंघन है, तो उसमें फिर सेक्शन 60 लागू होता है, कि जिसमें प्रमोटर यदि झूठी इंफॉर्मेशन देता है तो फिर सेक्शन 4 में जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक उसको फाइन हो सकता है, और यदि 62 है तो इसमें जो रियल इस्टेट एजेंट है वो यदि कॉम्प्लाई नहीं करता है सेक्शन 9 और 10 का, क्योंकि एजेंट भी अपना पंजीयन नहीं कराते कई बार, तो एजेंट के मामले में सेक्शन 62 लागू होता है, और इसमें 10,000 रुपये प्रतिदिन की तरह से इसमें पेनल्टी हो सकती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये इसमें प्रावधान है। हाँ एक आखिरी क्वेश्चन मेरा और है जो मेरे टॉपिक से जी, रिलेटेड है। हाँ जी, क्या ऐसी कॉलोनियां जो रेरा से रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन वो कॉलोनियां रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाई हुई ये मकान बना रही हैं या बेच रही हैं या किराए में दे रही हैं, अगर उन भवनों का इस्तेमाल कॉमर्शियल एक्टिविटी या फिर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जैसे कि स्कूल या कॉलेज, कोचिंग या फिर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के जैसे हो, तो इस पर भी कुछ रेरा एक्टिविटी कर सकती है?
नहीं, रेरा इसमें लागू नहीं होगा। ये जो लैंड यूज कन्वर्शन है ना, ये जनरली पॉलिसी मैटर होता है। कमर्शियल लैंड है या जो ये जो डोमेस्टिक अपना जो रेसिडेंशियल लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर है, तो ये जो देखो, मैंने कन्वर्शन आपको इसमें होता पहले इसीलिए है कहा अप्रोप्रिएट कि बहुत वो पावरफुल। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वो कॉलोनी डेवलप्ड है या वो मकान डेवलप्ड है, जिन मकानों पे या भवनों में इस्तेमाल कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल वे में हो रहा है, तो ऐसे देखिए, इशू पर कुछ कर सकती है रेरा? नहीं, रेरा का रोल इसके बाद शुरू होता है। देखो, जब एग्रीमेंट बन जाता है ना, उसके बाद बिल्डर का काम शुरू होता है। तो ये जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसमें इको आ रही है। हेलो, मेरा तो एक ही स्पीकर ऑन है। हाँ, ओके। तो इसमें जो लैंड यूज कन्वर्शन है ना, ये पॉलिसी मैटर है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। लेकिन यदि इसमें किसी कानून का उल्लंघन है, जैसे कि जो फॉरेस्ट लैंड है या एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, या अलग अलग जो कमर्शियल जोन होते हैं या जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, कई तरह के होते हैं, तो लैंड यूज कन्वर्शन में यदि किसी कानून का उल्लंघन यदि होता है, तो फिर वो उसमें कोर्ट में जाया जा सकता है। रेरा का रोल इसमें नहीं है। रेरा केवल लीगल इलीगल देख सकता है, लेकिन इलीगल भी है तो रेरा को पावर नहीं है। रेरा जो है वो केवल जो प्रमोटर है, रियल इस्टेट एजेंट्स है, इनको रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब एग्रीमेंट हो जाने के बाद जब पैसा दे देता है अपना अलॉटी, उसके बाद इनका रोल शुरू होता है कि वो जो एग्रीमेंट है, फिर वो ये सब देखेंगे ऑफ कोर्स कि प्लान के मुताबिक है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं है, टाइम के अंदर कंप्लीट किया गया है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है, ये वो देख सकते हैं। प्लान वगैरह अप्रूव करना जो है, ये कंसर्न जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है सिटी की, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसी का काम है। जैसे अलग अलग जगह पर बने हुए है सिटी के नाम से, तो वो इसको मंजूरी देती है और नक्शे भी वही मंजूर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये जो है वो प्लान को मंजूरी देती है। लैंड यूज कन्वर्शन पॉलिसी मैटर होता है, इसको रेरा में नहीं ले जा सकते। रेरा इसमें केवल लीगल इलीगल देख लेंगे, लेकिन इनको जो पावर्स है या जो पिनल पावर्स है, वो भी केवल बिल्डर्स या प्रमोटर्स और रियल इस्टेट एजेंट्स और अलॉटीज के संबंध में ही है। मेनली अलॉट इसके संरक्षण के लिए बना है, एक तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही मान सकते हैं हम इसको, कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से एक्शन मतलब घर कंस्ट्रक्ट होके मिल जाए, ये इसका एम है। ओके सर, थैंक यू। सर नमस्कार सबको। सर मेरा नमस्ते। एक सवाल ये था कि हमारे यहाँ पर ना जो बिल्डर्स होते हैं वो या तो दो तीन प्लॉट होते हैं उनको बना के बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, या फिर एक ही प्लॉट है, मान के चलो 20 बाई 40 का प्लॉट है, उस पर ही उन्होंने 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, मतलब मल्टी बना दी उस पर। और ये सोचने वाली बात है कि 20 बाई 40 में किस तरह की उन्होंने बहुमंजिला इमारत बना के 1 BHK फ्लैट बना लिए उन्होंने, और वो नीचे दुकान भी बना ली उन्होंने, तो कमर्शियल यूज भी हो गया और रेजिडेंटल यूज भी हो गया, आगे भी उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया। सर इसकी कंप्लेन की हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ये वाले काम नहीं देखते, हम तो दूसरे काम देखते हैं, आप इसको सिटी प्लानर के यहाँ पे दी कंप्लेन करिए। हम सिटी प्लानर के यहाँ पे गए सर, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो ये सिटी प्लान करते हैं, ये कॉलोनी कॉलोनियल प्लान हमारा काम नहीं है, आप तो नगर निगम में कंप्लेन कीजिए। सर नगर निगम में भी हाँ, कंप्लेन की तो वहाँ से भी कोई वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है, उसको लेकर RTI भी लगाई तो उसमें भी कोई जवाब नहीं दिया, अपील भी लगाई उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, और अभी द्वितीय अपील में पेंडिंग पड़ी हुई है। तो सर मेरा पहला ये मानना था, क्या ऐसे प्लॉट जोड़ जोड़ के क्या बिल्डिंग बना सकते हैं क्या उसको लेके, क्या दो प्लॉट इकट्ठे कर लिए, परमिशन तो क्योंकि मिलती नहीं है, परमिशन तो दूसरी जगह की रहती है उनकी, और 20 बाई 40 से 4 मंजिल की बिल्डिंग बनाना क्या ये अवैध तो है ही पूरी तरह, लेकिन इस पर और क्या आगे कर सकते हैं? भाई देखिए, पहले आपको प्रावधान बताना होगा कि स्पष्टता किस अधिनियम का या किस धारा का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर ज्यूरिस्डिक्शन देखा जाता है कि इसको कौन लागू करेगा, है ना। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि 4 मंजिला, अब जैसे कि हमारे यहाँ जोन 4 और जोन 5 में आता है अर्थक्वेक उत्तराखंड में, तो इसमें जो दिया है कि 3 मंजिला से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप जो बोल रहे हैं कि 4 मंजिला से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कौन से एक्ट में कहाँ लिखा है, उस पर से आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन से अधिनियम का या कौन से विधिक प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है, और उसी से आगे ये भी निर्णय होगा
कि कहाँ पर जाए या कहाँ पर ये करे, क्योंकि हर एक्ट के लागू करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज के पावर है। जैसे म्यूनिसपालिटीज एक्ट भी है, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह है उसके एक्ट है, पंचायत के एक्ट है। तो ये लोकल गवर्नमेंट में आता है या स्टेट गवर्नमेंट में आता है, या कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय उसको देखता है, ये ज्यूरिस्डिक्शन पता करके फिर आप तय कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि यही प्रश्न तब भी आएगा जब आप हाईकोर्ट में जाएंगे कि ठीक है यू कैन पुल अप ऑल द पार्टी टुगेदर, लेकिन फिर वो अपना अपना बोल के बच के निकल जाएंगे कि ये काम हमारा नहीं है। तो इसलिए आपको विधिक प्रावधान पहले पता लगाना पड़ेगा कि किस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, और फिर उनको आपने पहले नोटिस दिया कि नहीं दिया, और उसके बाद फिर आप उनको यदि वो कोई कार्रवाई ना करे तो फिर आप उसमें रिट ज्यूरिस्डिक्शन में कोर्ट में जा सकते हैं। जी सर, एक और पूछ रहा था मैं खुद ही गया था नगर निगम ऑफिस, तो वहां पे जो अधिकारी रहते हैं इनके, तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला ये तो कह रहा बिल्कुल इलीगल है ये तो मैंने बोला इलीगल है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये तो दिख रहा है आपको कि 20 बाई 40 के उस पर आप 4 मंजिल घर नहीं बना सकते, उन्होंने तो मल्टी स्टोरी बना ली है और वो फ्लैट्स बेच रहे हैं, वो तो कह रहा नहीं पूरी तरह इलीगल है, आप तो ऐसा करो उनके फोटो खींच के दे दो, हमें आवेदन दे दो हम कार्रवाई कर लेंगे। मैंने बोला ऑलरेडी मैं तो 2 बार आपको आवेदन दे चुका हूँ और फोटो भी दे दूंगा अगली बार आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन वो खुद मान रहे हैं अधिकारी कि ये इलीगल है लेकिन वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नहीं, इलीगल तो है, लेकिन फिर भी कौन से विधिक प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो कार्रवाई नहीं करते। आपको रिटर्न पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा या शिकायत देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप इसमें कोर्ट में मैंडेमस के लिए जा सकते हैं। मुझे मामला रेरा से संबंधित तो नहीं लग रहा है, क्योंकि रेरा जो है वो केवल बिल्डर्स या प्रमोटर की जो राइट ऑब्लिगेशन है वो तय करता है। लेकिन यदि दूसरे कानून का उल्लंघन है तो फिर किस कानून का उल्लंघन है वो आपको पता लगाना पड़ेगा, और फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने डीएम को भी या कलेक्टर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपने किया है, डीएम को शिकायत की नहीं सर, आपने? नगर निगम कमिश्नर को दिया था हमने आवेदन। ओके, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया? जी सर, कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने और ना हाँ ही कोई, हमने तो जांच के लिए लिखा था कि फिर कम से कम इसकी जांच तो कीजिए आप। अच्छा, जांच तो अच्छा आपने लिखा था, उन्होंने जांच के लिए नहीं लिखा ना, तो इसमें आप आरटीआई लगा के पता लगा नहीं सकते नहीं हैं कि मैंने क्या हुआ। बोला कि आप जो बिल्डिंग है कम से कम इसकी जांच तो कीजिए कि ये नियमों के विरुद्ध तो बन रही है कि नियमानुसार ही बन रही है ये, तो उन्होंने इसकी लिए कोई जांच भी नहीं की उन्होंने। ओके। और दूसरा, आप रेरा की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है सबके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और यदि बिल्डर ने यदि नहीं किया तो फिर आप इसको रेरा के दायरे में ला सकते हैं कि यह कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन इन्होंने रेरा को रिपोर्ट नहीं किया है। क्योंकि सभी प्रमोटर्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना जरूरी है जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो रेरा की वेबसाइट पर आप देखिए कि जो आपका स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उसमें ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। नहीं है तो फिर स्पष्टता रेरा का उल्लंघन है, और फिर आप रेरा में इसमें जो रेरा को भी शिकायत कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं आप। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। म्यू एक्ट क्या है? अच्छा, म्यूनिसिपालिटीज एक्ट। ओके, म्यूनिसिपालिटीज एक्ट देख लीजिए, कौन से स्टेट के हैं आप? राज तिवारी जी, कौन से राज्य से हैं आप? मैं तो सर मध्य प्रदेश से ही हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश। तो इसमें आप देखिए म्यूनिसिपालिटीज एक्ट कौन सा लागू होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग म्यूनिसिपालिटीज एक्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में म्यूनिसिपालिटीज एक्ट 1916 लागू है, तो इस तरह से आपके यहाँ भी पता लगा लीजिए कि कौन सा म्यूनिसिपालिटीज एक्ट है और उसमें कौन सी धारा का उल्लंघन है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो उसमें फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी भी जिम्मेदारी उसमें दी होगी, और वो यदि नहीं करता उसके मुताबिक तो फिर आप उसमें जो भी आपके पास अथॉरिटी दी गई है, क्योंकि लैंड के मामले में तहसीलदार और डीएम या कलेक्टर और कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर को भी पावर्स होते हैं, तो इसलिए आप देख लीजिए कि ये कहीं रेवेन्यू कोर्ट में तो ये मामला जा सकता है क्या, तो फिर वो इस तरह का भी उल्लंघन हो सकता है। अर्बन डेवलपमेंट है तो जनरली जो आपका सचिवालय वगैरह में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के ये होते हैं सेक्रेटरी वगैरह, उनको आप शिकायत कर सकते हैं, या आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और जनरली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वगैरह होते हैं ये भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको आप शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद। जी सर,
जयपाल सिंह जी, आपके कोई प्रश्न है? जी जी आदरणीय, हाँ मेरा ये प्रश्न था कि एक रेरा से जो है अनुमति होती है, वह अनुमति तो ली गई है, लेकिन वह कितनी, एक जो रेरा बना उसका पंजीयन हुआ, और पंजीयन होने के बाद में जो पहला जो लैंड था, जैसे 1 हेक्टर या 2 हेक्टर का था, लेकिन वह डेवलप होने के बाद में, यह वक्त उसके पास जो शासकीय जमीन थी उसको भी कुछ अतिक्रमण करके वो भी प्लाटों में काट रहे हैं, एक तो ये, और उसके बाद में उसी से एक और जो कॉलोनी थी पहले, उसमें भी ऐसा कर दिया कि पार्ट, जैसे मनोज कॉलोनी पार्ट 1 और मनोज कॉलोनी पार्ट 2, जो कि रेरा में पंजीयन ही नहीं था, लेकिन उसको भी इसमें जोड़ दिया गया, और बीच में जो शासकीय जो नाला होता है उसमें पुलिया बना दी गई। तो ये भी मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें हो सकता है कि मैं श्रीमान से ही पूछना चाहूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या जोड़ दिया जा सकता है, बाकी की एक व्यक्ति अन्य है और एक अन्य, दोनों ने टाई अप कर लिया, मतलब ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन वो पेपर वर्क में नहीं है, तो हम उसको कैसे जांचे और क्या कार्रवाई करें? जी सर, क्या आप रेरा को ही शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि रेरा का यदि कहीं उल्लंघन है, या रेरा ने जो परमिशन दी है उसका कहीं उल्लंघन है, तो फिर वो पता चल जाएगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट करने का तो सभी को अधिकार है, तो वो जी कॉन्ट्रैक्ट 1872 में एग्रीमेंट साइन होते हैं, और इस जी तरह का एग्रीमेंट वो साइन कर सकते हैं, वो उनका विधिक अधिकार है। अब वो विधि के अनुसार वो है या नहीं है, या किसी प्रावधान का यदि उल्लंघन होता है, तो फिर रेरा उस मामले में जांच कर सकता है। जी ऐड कर सकते हैं सर। जी, सर मेरा हाँ एक और थोड़ा सा प्रश्न था सर। जैसे आज कल जो है नगर पालिका है, नगर निगमों में बहुत अधिक से अधिक जो है प्लाटिंग कट रही है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है पास में लगा हुआ नगर पालिका सिर्फ मात्र 2-4 ही है, बाकी अन्य धड़ल से मतलब सैकड़ों में कॉलोनी कटी जिसका कोई रेरा में वो नहीं है। तो उसका हम जैसे डीएम ने भी उसमें एक्शन लिया है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें ना काटी जाए, उसके बावजूद भी काट रहा है, मतलब क्यों? जैसे कलेक्टर या एसडीएम ही उसमें कार्रवाई करते हैं, और जब वो उनका लिफाफा जब पहुंचा दिया जाता है तो वही सारी चीज तीसरी कर दी जाती है। तो हम उस पर क्या करें जिस पर कि कॉलोनी वाले और डीएम या जो संबंधित विभाग वो या इन क्या कार्रवाई, क्यों? क्योंकि तो वो पहले कार्यकर्ता सूचना पत्र देते हैं। यदि ये भ्रष्टाचार का मामला है, तब तो फिर जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, अदरवाइज ऐसे मामले में आप कोर्ट में जा सकते हैं, ताकि कोर्ट भी उनसे लीगैलिटी के बारे में पूछताछ कर सकता है कि किस कानून के तहत आपने ये अलाउ किया है। और वहाँ जब उनको जवाब देना पड़ता है, तो कोर्ट फिर जो है कई बार डिमोलिशन वगैरह के या ऐसे काम को रुकवाने के आदेश भी देता है, तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। धन्यवाद। ये आज थोड़ा सा हमें लगता है कि कम लोग जुड़ पाए हैं अभी, आप क्या वजह, दिवाली वगैरह की वजह से, छुट्टियों की वजह से। तो आप लोग जो भी जुड़े हैं तो अपना डिस्कशन चालू रखिए, और रेरा के अलावा भी यदि आपके ऐसे सामान्य प्रश्न हैं, सुझाव हैं, तो आप लोग उसको जारी रखें, ठीक है ना? यस, RTI से संबंधित जो आर प्रश्न है टी तो आई पूछ सकते हैं। से संबंधित आ जाएं, जरूरी नहीं है कि रेरा में। रेरा का जिनका इंटरेस्ट था इसमें, कुलदीप का काफ़ी इंटरेस्ट था, उन्होंने 2 बार मैसेज मतलब उनसे बात हुई थी, तो आज हमें लगता है कि वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। रेरा में उनका विशेष इंटरेस्ट था, उनके ही सुझाव से हमें लगा कि आप सबके सुझाव हम लेते रहते हैं समय समय पर, तो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो हालांकि ठीक है, रेरा में जिसका जितना इंटरेस्ट है तो अच्छा है, आपने काफ़ी कुछ पूछा है। अब RTI से जुड़े हुए जो भी आपके जनरल प्रश्न हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर आ जाएं, तो वीरेंद्र जी आपके प्रश्न का जवाब देंगे। हमें लगता है कि शैलेश सर थे, लेकिन थोड़ा सा उनको बोरिंग लगा होगा ये टॉपिक, जैसा उन्होंने बताया कि उनके इंटरेस्ट का नहीं था, वो लीव भी कर गए हैं कार्यक्रम में, तो कोई बात नहीं है, वो आप लोग तो हैं कार्यक्रम में, अपनी बात रखें, है ना, सामान्य RTI से संबंधित। नमस्कार सर, डिमांड हाँ जी नमस्कार, OnePlus। हो तो नमस्कार हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। शिव कुमार गुप्ता मुंबई से बोल रहा हूँ सर।
हाँ अरुण कुमार मेरा मुंबई से बोलता इको इको हो रहा है, हमें लगता है कि हूँ। एक एक माइक आपको मेरे थ्रू बंद करना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ लेकिन ये हेलो, भाई हमें लगता है कि आपका पीछे से कोई नॉइज आ रहा है क्या, वन प्लस वर्ल्ड के इधर आपका पीछे से कोई नॉइज है क्या बैकग्राउंड का? नहीं आ रहा होगा, अभी आवाज आ रही है ना सर? हाँ भी आ रही, पहले बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था आपके। अच्छा। मैं क्या बोल रहा था सर, कि मैंने एक आरटीआई लगाया था मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, तो सर वहाँ पे जो है उन्होंने जो वहाँ पे पीआईओ है उन्होंने लिख के दिया पड़री थाना के पीआईओ ने, कि मतलब कि आपको सुविधा जो है 18(1)(a) के तहत नहीं दी जा सकती, ये नहीं है। तो सर मेरे वारंट एक वारंट गया था आरोपी को पकड़ने के लिए, उस पर क्या कार्रवाई की गई उसकी जानकारी मांगा था, तो वहाँ के पलरी थाना के पीआईओ ने बताया कि ये धारा 8(a) के तहत आपको सूचना दे नहीं है। तो सर मैं उसके लिए भी क्या कर सकता हूँ, मतलब उन्होंने जो बताया वो सही है या गलत होगा? हमें लगता है कि आपका आपका ये कुछ तो गड़बड़ है कहीं से, तो आवाज़ इको हो रही है, तो बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं समझ में आया। लेकिन बीरेन जी, जिनके प्रश्न को आप समझ पाए हैं, तो मोटा मोटा इनके प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझे लगा कि शायद आपका इको हो रहा था, तो आप माइक मैंने बंद किया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से इको आ रहा है इनका। बीरेन जी समझ पाए इनके प्रश्न को? हाँ जी, हाँ मैंने अनम्यूट कर लिया जी, प्रश्न समझ गया मैं, इसका उत्तर बता देता हूँ मैं। जो नॉर्मली इसमें जो एग्जेम्पशन लिया जाता है वो 8(1)(g) या 8(1)(h) होता है। 8(1)(g) होता है कि जहाँ पर आपको पता हो, तो आप यदि विक्टिम या इन्फॉर्मेंट या विटनेस इनके बारे में मांगते हैं सूचना, तो फिर वो जनरली 8(1)(g) में आता है। आरोपी के मामले में यदि आप सूचना मांगते हैं तो फिर कई बार वो 8(1)(h) में कर सकते हैं, कि जिससे किसी के अरेस्ट करने में बाधा हो, या फिर आरोपी स्वयं सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाके आरटीआई लगाने की कोशिश करता है, तो वो 8(1)(h) का एग्जेम्पशन वो लोग ले सकते हैं। दूसरा, इसमें यदि वहाँ से नहीं मिलती है तो फिर आप जो अपना एसपी होता है, नॉर्मली एसपी लेवल पर एसपी अपेलेट अथॉरिटी होता है, तो वहाँ पे फिर आप अपने एसपी अपील लगा सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें आप ये भी देख लीजिए कि आजकल बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पर सब कुछ इंफॉर्मेशन फ्री में होती है और आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे ऑर्डर्स, तो इसमें ई कोर्ट सर्विसेज है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी ऑर्डर होते हैं, ये सब प्रकरण मैजिस्ट्रेट के सामने गया नहीं गया, जमानत हुई नहीं हुई, और जितने भी ऑर्डर्स होते हैं करीब करीब हर महीने क्रिमिनल के रहता है, तो जो मंथली ऑर्डर्स होते हैं ये सब ई कोर्ट सर्विसेज पर आप एफआईआर नंबर यदि आपको मालूम है तो एफआईआर नंबर के आधार पर भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको एफआईआर करने वाले का नाम यदि पता है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, कौन से थाना क्षेत्र में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं इस पर से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर्स वेबसाइट पर आपके मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो सीधे अपने मोबाइल पर सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पुलिस की कार्रवाई यदि चल रही है, तब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तब तक पुलिस उसमें जानकारी देने से मना कर सकती है 8(1)(h) के अंतर्गत। तो इसलिए जब चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद ही वो कार्रवाई डॉक्यूमेंट वगैरह देने का सिलसिला शुरू होता है, और यदि एफआईआर रजिस्टर हुई नहीं हुई ये यदि पता करना है तो ये बड़ी आसानी से आपको पता चल सकता है। आप इस केस में कौन है, विक्टिम है, आरोपी है, कौन है? नहीं सर, मैं अप्लीकेंट हूँ सर, नहीं, अप्लीकेंट तो अप्लीकेंट है, हूँ सर। मैंने कोर्ट अप्लीकेंट तो में आए, मतलब क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस से आपका क्या संबंध है, फिरियादी क्रिमिनल हूँ केस आपका है? सर। हेलो सर, आपको नॉइज बहुत आ रहा है, मैं आपके आसपास आवाज बहुत आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शांत एरिया में आ जाइए आप, आपके आसपास बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। शांत एरिया में खड़े रह के आराम से आप बात कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ,
नॉइज बहुत आ रहा है। क्रिमिनल केस में, मैं ये पूछा था क्रिमिनल केस में आप कौन है, आप एफआईआर लिखाने वाले हैं सर? वो चेक बाउंस का केस है सर। तो चेक बाउंस में सामने वाले ने मुझे चेक दिया था और चेक रिटर्न हो गया, तो हमने केस किया उसके ऊपर। तो उसको पकड़ने के लिए सर वो कोर्ट से वारंट जा रहा है, तो पुलिस बता रही है कि आदमी यहाँ पे नहीं रहता, झूठा रिपोर्ट दे रही है। उसके बारे में हमने आरटीआई लगाया था, तो आरटीआई में उन्होंने लिखा कि एट के तहत आपको सूचना दे नहीं है। वारंट के बारे में हमने जानकारी मांगा था कि आरोपी को आपने क्या किया, क्या कार्रवाई किया था, तो उसके बारे में सर उन्होंने ऐसा मतलब लिख के भेजा है। जिस मैजिस्ट्रेट के सामने ये केस चल रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 का, उसके आप आवेदन दे सकते हैं कि आपका वारंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, प्रोसिक्यूशन या पुलिस आपको झूठी सूचना दे रही है, इस तरह से आप वो मैजिस्ट्रेट के सामने आप अप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी केस आपका चल रहा है। तो जो जिस मैजिस्ट्रेट के सामने केस चल रहा है उसी मैजिस्ट्रेट को आप सीआर उसमें अप्लीकेशन दे दीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में या सीआरपीसी में, उसके ध्यान में लाइए कि ये प्रावधान जो है इसका, ये वारंट का जानबूझकर ये किया नहीं जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत आप दे सकते हैं। आरटीआई एक्ट में जो कागज पर सूचना है वही केवल फाइलों की फोटोकॉपी मिल सकती है आपको, इससे ज्यादा नहीं। हेलो, उत्तर समझ में आ गया ये? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, वो कंसर्न नई सेट के सामने भी आप प्रकरण ले जाइए, तो आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, पहले आप अपना बैकग्राउंड ठीक करो। वन प्लस बर्ड टू, आप लोगों का यार नॉइज आ रहा है तो इस अस्पष्ट नहीं नाम भी उधर। अपना सही दे दीजिए, हाँ आप रिनेम करके अपना नाम लिख दीजिए ताकि हाँ पता चले ये कौन। कई बार लोगों को बताया गया, आप लोग अपना नाम स्पष्ट तौर पर लिखा करिए तो समझ में आए कि आप कहाँ से। जूम आपका मीटिंग में नाम रहे, पार्टिसिपेंट्स में जा सकते हैं, आपका नाम रहे पार्टिसिपेंट्स और में आपका अपना, स्टेट रहे। हाँ ज्यादा यदि आपका डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता है तो स्टेट आप जरूर लिख दिया करिए। उदय खिटोलिया जी का है, सत्यम कुमार जी हैं, आशीष अग्रवाल जी हैं, हैंडरेज की हैं। एक एक करके आप लोग अपने प्रश्न पूछिए, वीरेन जी आपके प्रश्न का जवाब देंगे। उदय जी बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मुझे आपसे ये जानकारी लेनी थी कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र किसी ने अगर जारी करवाया है और उस पे किसी शासकीय महाविद्यालय से उन्होंने स्कॉलरशिप भी ली है और पढ़ाई भी की है, और स्कॉलरशिप की राशि करीबन 1 लाख 1.25 लाख रुपए से ऊपर की है, और चीजें वेरीफाइड है हमारे पास, तो उसके लिए कार्यवाही को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो जिसने स्कॉलरशिप दी है उनके जिसने पहले ली, नोटिस, हाँ नहीं, जिसने ली है उसको नहीं, जिसने दिया है, जिसने प्रमाण पत्र को इस्तेमाल किया है ना, हाँ क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि यह प्रमाण पत्र फर्जी है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो अनजाने में कर रहा है या जानबूझकर कर रहा है। तो पहले आप उसके ध्यान में लाइए, है ना, कि यह सर प्रमाण पत्र फर्जी है। हाँ आप मतलब स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं या जारीकर्ता की बात जी, कर रहे हैं? स्कूल कॉलेज भी और जारी करता भी है ना, क्योंकि उसमें नहीं, जारी मैंने करता है जारी तो भी जारी कर सकता है। जिस जिस देखो, कार्यालय। हाँ बोलिए। सब अपराध है, उसमें क्या है कि ऐसे सर्टिफिकेट लेना भी अपराध है, ऐसे सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना भी अपराध है, ऐसे सर्टिफिकेट को जारी करना भी अपराध है, लेकिन अलग अलग धाराओं में बनते हैं, है ना। तो इसलिए जी ये आपको पता करना पड़ेगा कि कंसर्न जो व्यक्ति है उनके पहले ये चीज ध्यान में लाई जाए, और उससे ये पता चलेगा कि अपराध एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है, उसके संज्ञान में है या नहीं है, क्योंकि यदि नहीं है तो तुरंत वो जांच करेगा, और जांच करेगा तो इसका वो ईमानदार है, उसका अपराध नहीं बनता है ना, और यदि वो सर फिर भी जानबूझ के कर रहा है तो इसका मतलब वो भी उसमें शामिल हो सकता है, तो ये अच्छा आपको पता लगाना पड़ेगा। सर, मैंने आरटीआई जो लगाई थी रिस्पेक्टिव कॉलेज में लगाई थी, और वहां से मुझे आरटीआई में जानकारी उन्होंने दी है, और मैंने वहां के जो पीआईओ थे उनसे मैंने इस विषय पे वैसी ऊपर ऊपर बात करी थी, तो उन्होंने बोला था क्योंकि डिजिटल 2014 से मध्य प्रदेश में डिजिटलाइजेशन चालू हो चुका है, तो 2014 में डिजिटलाइजेशन चालू होने के बाद 15-16 में उन्होंने हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट किया, और मैंने उनसे पूछा था कि इस जो भी जाति प्रमाण पत्र आपके पास प्रस्तुत किए गए हैं उनके वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या रही है
है और किस नियम के तहत आपने वेरिफिकेशन करके स्कॉलरशिप जारी की है। तो उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ भी नहीं रहता, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र आते हैं, हम एक्सेस कर लेते हैं और कौन फर्जी ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, ऐसे हमारे पास सैकड़ों बच्चे होते हैं, हम बोले किसका क्या करें, और जबकि कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और इस संबंध में जो जाति प्रमाण पत्र स्टूडेंट का है उस वो जाति प्रमाण पत्र पे नीचे जिस जारीकर्ता कार्यालय की सीले वहां पे मैंने आईटीआई डाल के उस जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाई करवाया, तो उसमें लिखा है कि ये दायरा पंजी में मतलब पंजीकृत नहीं है। और सेकंड चीज ये है सर कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की गाइडलाइन है कि 1950 का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति का होना चाहिए, जबकि वो व्यक्ति मध्य प्रदेश से ना होकर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, और उस बंदे ने इस जाति प्रमाण पत्र का 3 बार यूज किया और चौथी बार करने के लिए तैयार है क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, और स्कॉलरशिप वेरीफाइड है, उसके अकाउंट में आ चुकी है और अलॉटमेंट लेटर पूरा मेरे पास है जो अनुसूचित जाति विभाग से जो जारी किया गया उच्च शिक्षा विभाग की ओर के इतने इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। तो 3 किस्तों में जो स्कॉलरशिप गिरी है और दूसरे कॉलेज से 2 किस्तों में गिरी है, ऐसी 5 किस्तों की पूरी पूरी वेरीफाइड जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। इसमें देखिए, ये जो प्रकरण है ना आपका, जी आरटीआई में आपको सबूत दिए जाते हैं, सबूत आपको मिल चुके हैं। सो आरटीआई प्रकरण समाप्त हो चुका है। आपको आरटीआई के ऊपर बढ़ के सोचना पड़ेगा कि आपके पास सबूत सब है, अब आप आगे क्या करेंगे। मैं तो सर इसमें वही आपको मार्गदर्शन ये तो देखना, चाह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट रिट पिटीशन में लगा नहीं सकता और हाँ मुझे नहीं, उसके इसमें लगे लिए। नहीं, इसमें ये होता है कि पहले आपको जहाँ जिसने स्कॉलरशिप फर्जी दी है, पहले आपको आरोप लगाना पड़ेगा कि ये फर्जी है और ओके कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और ये आरटीआई एक्ट में नहीं होंगी, है ना। पीआईओ का तो कोई और काम, फोटो कॉपी देना, उसने आपको पूरा एविडेंस दे दिया, सबूत मिल गए सब आपको। अब आप उसके जी आगे बढ़ के पहले कंप्लेंट दीजिए कि ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, और फर्जी कैसे है ये आप उसमें बताना पड़ेगा जिस आधार पर आप कह रहे हैं। दूसरी बात, हाँ एक स्टेट का दूसरे स्टेट में जो जाति प्रमाण पत्र है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इसको भी आप चुनौती दे सकते हैं, है ना। ये भी गलत है एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, और यदि ऐसा किसी ने इस्तेमाल किया है तो फिर आप चुनौती दे सकते हैं। अब इसमें जो स्कॉलरशिप विड्रॉ करना, हाँ स्कॉलरशिप विड्रॉ करना है ना, ये एक दूसरा ऑफेंस है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लेना। और जाति जी प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कोई नौकरी ली जाती है, अपॉइंटमेंट वगैरह या हाँ कोई प्रमोशन के समय इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो हाँ अपॉइंटमेंट वगैरह भी निरस्त किया जा सकता है। तो इसमें जो एम्प्लॉयर है या जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उस प्रमाण पत्र को, उसको आप शिकायत दे सकते हैं। सर इस केस में तो अभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और एक मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कॉम्पिटिटर है एक वो जो तैयारी कर रहा है, और दूसरी चीज ये है कि उनके द्वारा इस तक जी बोले जिसने जारी किया ना, जो नॉर्मली जो तहसीलदार है जो भी जारी करता है, तो जिसने जारी किया उसको आप शिकायत कर सकते हैं कि आपने इसमें जो बिना जांच के ये किया है और ये गलत है, और उसके लिए जो जो उनको तो मैंने आईटीआई लगा कर डायरेक्ट उसकी छाया प्रति देकर जाति प्रमाण पत्र की मैंने पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला ये जाति प्रमाण पत्र हमारे कार्यालय द्वारा जारी नहीं है और हमारे कार्यालय की दायरा पंजी में इस नंबर से जाति प्रमाण पत्र कोई भी दर्ज नहीं है, उनने सीधे बोल दिया। तो अब उनपे तो फिर उसमें इस आधार पर फिर आप एफआईआर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो आ गया है, इसका मतलब है कि वो प्रमाण पत्र फर्जी है। फर्जी तो है प्रमाण बिल्कुल पत्र जी, आ फर्जी गया है है मेरे पास तो ब्रिटेन फिर में आप, है तहसीलदार का। हाँ, तो क्रिमिनल मामला बनता है, तो इसके आधार पर फिर आप एफआईआर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एफआईआर कर सकता हूँ इसके लिए या फिर मुझे किसी एससी ऑफिस वगैरह में जो अनुसूचित नहीं, जाति के ऑफिस। आपको आपको कहीं किसी से अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं है। लोकस स्टैंडाई एक आम नागरिक को हासिल है। जो आप बात कर रहे हैं, पुरानी आईपीसी के हिसाब से ये 420, 467, 468 और 471 में ऑफेंस है, और 467 में ऑफेंस होने की वजह से ये उम्र कैद के प्रोविजन यानी एलआई तक का बड़ा ऑफेंस है। आप लोकस स्टैंडाई है, आप चाहें तो अगर रिकॉर्डेड एविडेंस के बेस पर आप जाना चाह रहे हैं तो क्रिमिनल कंप्लेंट में जा सकते हैं, और चाहे तो आप एफआईआर में जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं सलाह ये देता हूँ कि सरकार मामले में भी सही आपको कह इलाका रहा मजिस्ट्रेट के यहाँ क्रिमिनल पिटीशन फाइल करनी चाहिए यानी क्रिमिनल कंप्लेंट यानी परिवाद में दायर करना चाहिए इसे। है। ओके यस यस, सरदार सर तारा ये सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी नॉर्मली 420, 467, 468, 471 होता है, और ये जो है क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इन मोशन बाय एनी इंडियन सिटीजन, है ना। तो इसमें आपके कोई लोकल स्टैंडाई की भी आवश्यकता नहीं, कोई भी इस मामले में एफआईआर या कंप्लेंट कर सकता है। नहीं, उसमें अमानुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2016 में ये बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कोई भी अपराध की जानकारी अगर आपको है तो आप चाहे उस केस से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, ये तो अधिकार है, मतलब आप हंड्रेड कहना चाह नाइट रहे हैं मैं अधिकार डायरेक्ट डायरेक्ट पिटीशन में न्यायालय में सबमिट कर सकता हूँ? न्यायालय बिल्कुल में कर एफआईआर, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एफआईआर मैंने सर्वे कर रखी है, मैंने कर रखी है, मैंने उसमें सर्वे लोगों को खूब अच्छे से अरेस्ट वारंट से तलब करा रखे हैं, अंदर पहुंचा रखे हैं मैंने।
सर मैं आपका मार्गदर्शन, मुझे लगेगा आपका नंबर अगर मुझे मिल जाए तारा सिंह जी का तो बेहतर रहेगा। कभी माननीय शिवानंद साहब मार्गदर्शन को कभी भी आप फोन कर लें, वीरेंद्र साहब के पास भी है, आपको मेरे नंबर दे देंगे, कोई भी दे देंगे, इजी अवेलेबल है, नेट पर भी इजी अवेलेबल है। जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक और है 5 सितंबर 2021 की हमारी वेबिनार हुई थी इसी प्लेटफॉर्म पर, उसमें आप अगर उसको देखें पीछे जाके वेब पेज पे, तो उसमें बहुत इजीली डिस्प्ले होते हैं मेरे नंबर। ओके सर, ठीक है, 5 मेरे सितंबर पास दो भी हजार है नंबर। तेईस हाँ, ये अपने जो शिवा स्पीकिंग जो है उस पर भी आपको सभी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। और ये राजस्थान के जी। सरदार तारा सिंह जी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो इनका हाँ नंबर भी मेरे धन्यवाद पास सर। भी है। हाँ तारा सिंह जी के बारे में, जैसा कि तारा सिंह जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तारा सिंह जी आपका स्वागत है, और अच्छा आपने मार्गदर्शन यहाँ पर लोगों को दिया, और इसके संबंध में हमने एक PDF और एक PPT फाइल थी उसको भी शेयर किया हुआ था आप लोगों को, जब आवश्यकता पड़ी है तो अभी भी हमारे पास है, तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं व्यक्तिगत, हम आपको उसको शेयर कर देंगे। तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा सर, है धन्यवाद। जी, तारा सिंह जी भी कार्यक्रम में है तो आपके प्रश्नों का उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि लोड अकेले वीरेन जी के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो अच्छा है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सत्यम कुमार जी का क्या है? जी नमस्कार सर, अब तक मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर, आप कैरी ऑन करें प्लीज। हाँ सर, एक अपार्टमेंट है सर, मतलब आज ही टॉपिक से हमारा सवाल संबंधित है सर। एक अपार्टमेंट है सर, वो 30 साल पुराना है, तो क्या सर उसका लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान मुझे RTI या रेरा में मिल सकता है? जी, ये रेरा में कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं ना, तो इसमें जो है वो रेरा जो है ये 2016 का एक्ट है, तो जो पहले हुआ ये आपका जो लोकल अथॉरिटी है उनके पास से आपको लेआउट प्लान वगैरह मिल सकता है कि प्लान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन है कि नहीं। रेरा जो है ये 2016 में जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट थे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया था, प्लस जो नए प्रोजेक्ट है जो 2016 के बाद प्रारंभ हुए है उनके लिए रेरा कंपलसरी किया गया है, तो पुराने के लिए आपको पुराने कानून के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। नहीं सर, अभी मैंने वर्तमान में सर RTI लगाई थी, तो ये लोग कह रहे हैं कि एज पर सेक्शन 8B आपको 20 साल से पुरानी सूचना नहीं दे सकते। 8B नहीं है वो, 8-3 है, और वो 20 साल से पुरानी सूचना नहीं दे सकते, वो उन्होंने गलत लिखा है। वो 8-3 में ये लिखा है कि 20 साल से पुरानी सूचना है तो देनी ही पड़ेगी, किसी भी ग्राउंड पे मना नहीं कर सकते, सेक्शन A, C और I छोड़ के 3 क्लॉज केवल लागू होते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट के प्रस्ताव जो होते हैं, ये 3 छोड़ के कोई भी एग्जेम्पशन लागू नहीं होता है। तो 20 साल से पुरानी सूचना देनी ही पड़ती है, कोई भी एग्जेम्पशन लागू नहीं होता ये 3 एग्जेम्पशन छोड़ के, ये लिखा है 8-3 में, तो उन्होंने वो मिस इंटरप्रिटेशन किया है। इसको आप फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप तो श्योर है ना सर, ये बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान आराम से मिल सकता है मुझे RTI में? हाँ मिल सकता है, यस ओके थैंक यू सर। मिल सकता है, वो देय है कि नहीं उसमें एग्जेम्पशन हो सकता है, लेकिन वो 20 साल से पुराना है तो फिर केवल ACI लागू होगा, इसमें और कोई एग्जेम्पशन भी लागू नहीं होता, तो ना तो इसमें 81D लागू होता है, ना इसमें 81E लागू होता है, ना इसमें 81J लागू होता है, ना इसमें 81G लागू होता है, ना इसमें 81H लागू होता है, तो ये सब एग्जेम्पशन लागू नहीं होते है ना। 20 साल से पुरानी थैंक यू सूचना है तो देनी ही पड़ेगी, ये नियम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ 8-3 है वो, सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 इंग्लिश और हिंदी में पढ़ लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। धन्यवाद। जी आशीष जी, नमस्कार सर। सर हाँ जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ, मेरी अपनी एक निजी समस्या है। मैंने 3 दुकानें रजिस्टर्ड डीड पे 2017 में ली थी, 20 लाख रुपए पकड़ी दे के। वो 20 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया था, वो नोटरी अटैच करा लिए थे हमने। वो अब आपका वो वही ना, वही आपका जो जाना पहचाना पुराना मामला। अच्छा नहीं नहीं सर, वो एक दूसरा, वो तो अक्षय बारात घर का होता है। ये अच्छा मेरा अभी नया मैटर हुआ है सर, बड़ा परेशान हूँ मैं। और इसमें मैं BDO बरेली विकास प्राधिकरण में भी बार बार शिकायतें कर रहा हूँ, तो JE साहब अपनी रिपोर्ट बना देना कि हमने चौकी को लिख दिया है। चौकी इंचार्ज लिख देते हैं कि हम उधर से निकल रहे थे, वहां काम चल रहा था, हमने काम बंद कराया, 4 कट्टे सीमेंट, इतने सरिया और इतना जब्त करा, लेकिन काम रात दिन सुचारू रूप से चालू है। और वो उन्होंने पूरी मार्केट गिरा दिया, बस मेरी 3 दुकानें बीच में खड़ी हुई है सर। वो भी मुझे लग रहा है कि वो कभी भी गिराना दे। उसका मैंने स्टे मांगने के लिए जूनियर डिवीजन हवाली बरेली कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, और जे जूनियर डिवीजन हवाली जो है जज साहब, वो सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, जबकि हम उनको सब फोटोज भी प्रेजेंट कर चुके हैं कि साहब कभी रात में ये दुकान गिरा देगा, हम तो बिल्कुल कतई पैदल हो जाएंगे। हमें सर उसमें क्या करना चाहिए सर आगे?
इस केस में एक तो आप अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि देयर विल बी इरिवर्सिबल डैमेज, है ना, मेरा ऐसा नुकसान हो सकता है कि जिसकी भरपाई ना हो सके, और दूसरा ये कि इसमें जो हायर कोर्ट है उसमें आप टाइम बाउंड जस्टिस के लिए आप कर सकते हैं पिटिशन कि इसको जो है वो तुरंत एक हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में जो भी टाइम हो वो तुरंत निर्धारित किया जाए, या इस तरह से आप उसमें कर सकते हैं। ये दो उपाय है आपके पास, ठीक सर, पहले थैंक जहाँ यू सर। कोर्ट केस चल रहा है ना वहाँ अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा लीजिए, और उसमें ये जरूर लिखिए कि इट वुड कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, इसलिए तुरंत स्टे ऑर्डर जारी किया जाए, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ, पहले चाहे आपने किया हो ना किया हो, नहीं एप्लीकेशन कहा सर। फॉर, हाँ तो पहले एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ, या जिसको स्टे एप्लीकेशन बोलते हैं, इंजंक्शन बोलते हैं इसको, तो ये आप लगा सकते हैं सिविल कोर्ट में यदि प्रकरण चल रहा है तो, और उस पर यदि बात ना बने तो फिर टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए आप उसे हायर कोर्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी महेंद्र कुमार जी, सर सभी को सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर। सर एक ना हरियाणा जो सूचना आयोग है उसने 2023 में एक के ऑर्डर पारित किया था कि जितने भी आईएएस आईपीएस एससीएस जितने भी अधिकारी हैं इनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी। उसके बावजूद भी अगर हम छोटे कर्मचारी जैसे सुपरिटेंडेंट होता है या कोई और होता है जिनके खिलाफ में कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, अगर हम उनसे यही सूचना चाह रहे हैं तो वही 81J का बस वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। और वहां पे अगर हम सूचना आयोग में जाते हैं तो वहां पे इजिली 1 से 1.5 साल लग जाना है, तो इस बारे में क्या क्या करें हम? ये कौन से स्टेट का मामला है, क्या ऐसा शासन आदेश है कि ये हरियाणा स्टेट, जानकारी? हरियाणा, तो ये जो है सूचना दी जाएंगी, मतलब एम्प्लॉयर को दी जाएंगी, दी जाने का अर्थ ये नहीं है कि पब्लिक को दी जाएंगी, तो उसमें नहीं पब्लिक सर, को दिए सर सर जाते इसमें एक एडवोकेट साहब है पवन पारेख जी, एडवोकेट, हैं। उनके फेवर में ये दिया गया है। नहीं, उनके फेवर में पर्टिकुलर ऑर्डर था या जनरल ऑर्डर था कि हरियाणा के सभी पब्लिक सर्वेंट्स को देनी सर पड़ेंगी, सभी ऐसा सूचना? इसमें जो पार्टी बना रखे थे सर, वो डीजीपी भी थे और चीफ सेक्रेटरी भी थे, और सबको ये ऑर्डर भेजा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, कोई ये तो केस अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, नहीं ऑनगोइंग नहीं है, हो ऑर्डर। चुका है सर, ऑर्डर आ चुका है। अच्छा, तो ऑर्डर में क्या लिखा, वो ये मैं ऑर्डर पब्लिक? शेयर करूं सर मैं? हाँ यस, वो शेयर कर दीजिए। क्या ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल होंगी ऐसा लिखा है, ऐसा कोई शासन आदेश हुआ है? मैं 1 मिनट अभी इसको भेज देता हूँ पहले कोर्ट तो इसको इस तरह से करता नहीं है नॉर्मली, पब्लिक अथॉरिटी को पावर है 82 में, जैसे अभी हुआ है प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता होगा कि उसमें 87% जजेस जो है उन्होंने अपनी संपत्ति ही डिक्लेयर नहीं की गई, और वो उसमें फंस गए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कर दिया है कि इनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को, तो इस तरह का कर दिया है। पहले केवल चीफ जस्टिस को बताते थे, अब सूचना उनको पब्लिश करनी पड़ेगी, पब्लिक को बतानी पड़ेगी, इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है। उसकी वजह से सभी जजेस बहुत तकलीफ में, 87% जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है, तो इस तरह का बताइए ऑर्डर कि मैं देखता हूँ इसमें एम्प्लॉयर को बताएंगे या। बिल्कुल सही बात है, यदि जजेज कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो इनको तो करनी पड़ेगी सबको। शिवानंद जी, मैंने पर्सनली आपके पास भेज दिया है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। अच्छा, तो मैं उसको पढ़ के बता दूंगा। इन द मीनवाइल एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, 30-year-old रिकॉर्ड कुड नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, कीपिंग इन व्यू द पीरियड फॉर रिटेंशन एंड एप्लीकेशन अंडर द RTI एंड रिलेटेड टू द बिल्डिंग प्लान्स एटसेट्रा विच आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 15 ईयर्स। हाँ, तो इसमें जो रिटेंशन जो होता है, रिटेंशन के लिए जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 है, इसके अंतर्गत सभी विभाग अपनी अपनी जो वीडिंग आउट रूल्स बना सकते हैं, और उसमें हर डॉक्यूमेंट की लाइफ दी होती है। अब बिल्डिंग प्लान्स यदि 15 साल तक रखने का है और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया है तो ये कानून हो गया। अब आपको तथ्य पता लगाने पड़ेंगे, क्या वाकई डिस्ट्रॉय किए हैं या नहीं किए हैं। यदि डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं तो 15 साल पुरानी, 100 साल पुराने भी हो तो उनको देने पड़ेंगे, लेकिन यदि डिस्ट्रॉय कर दिए है तो फिर जो डिस्ट्रॉय किए गए वो किस ऑर्डर के तहत किए गए, क्योंकि इसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है,
तो एक तो विधिक प्रावधान क्या है वो देखना पड़ेगा कि वीडिंग आउट के रूल्स क्या है, और दूसरा है कि फिर उनको लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर ऑर्डर जारी करता है कि इस डॉक्यूमेंट को विनष्ट कर दिया जाए। तो विनष्टीकरण का जो ऑर्डर होता है ये आरटीआई में हासिल किया जा सकता है, जिससे तथ्य पता लगे कि इस पर्टिकुलर केस में ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया है कि नहीं किया गया। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट जो डिस्ट्रॉय किया गया उनकी लिस्ट में ये अभिलेख मौजूद होना चाहिए, वो यदि है तो फिर आपको नहीं दिया जा सकता है। तो ये विनष्टीकरण के जो नियम है ये वो आप पहले पता लगाइए कि उस विभाग की इस पर भी होंगे या जनरल आपके स्टेट के भी हो सकते हैं, तो ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के अलग है, 2005 के है विनष्टीकरण नियमावली। आरटीआई एक्ट में जो फाइल्स होती है वो भी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये 2018 में उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी ने जीओ निकाला था, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है उसके बाद उसको एक्सपायर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक्सपायर्ड डिक्लेयर करने के बाद उसकी लिस्ट बनाई जाती है, और अभी उत्तराखंड में सचिवालय में भी 3-4 साल पहले हजारों फाइलें जला दी गई थी। तो इस तरह के प्रावधान होते हैं। तो यदि वो डिस्ट्रॉय नहीं किए गए तो आरटीआई में देने पड़ते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय कर दिए गए तो डिस्ट्रॉय किए उसके जो रिकॉर्ड्स है वो आरटीआई में दिए जाते हैं कि इतने तारीख को अमुक अमुक ऑर्डर के तहत, अमुक प्रावधान के तहत ये फाइल यूजलेस हो गई थी और इसलिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये नाम भी नहीं लिखा है, जियो मी कुछ 22127PC951 है। ओके, आप अपने इसको रिनेम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देखिए जूम मीटिंग में पहले पार्टिसिपेंट्स पर जाइए, पार्टिसिपेंट्स में आपको अपना नाम दिखेगा, उस पर टच करने के बाद आपको राइट क्लिक करने या करने के बाद या राइट क्लिक करने के बाद या टच करने के बाद रिनेम ऑप्शन आएगा। रिनेम में जाके आप अपने आप को रिनेम कर सकते हैं ताकि आपकी सही आइडेंटिटी मीटिंग में सभी को पता चले। तो इस तरह से रिनेम करना बहुत सिंपल होता है, तो ये जिनको नहीं आता है वो उस चीज़ को सीख लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी आपको पहचानने में सुविधा हो सके। धन्यवाद। नहीं बीरेन जी, लोग कोर्ट में रहना चाहते हैं। जेम्स बॉन्ड 007 याद है आपको? नहीं जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखी है आपने कि नहीं? वही जो पारदर्शिता की बात हो रही है, तो फिर पारदर्शिता हमें भी तो होनी चाहिए, ये भी तो ध्यान रखे, क्योंकि यही बात हुई थी कि जो आरटीआई एप्लीकेशन जब वेबसाइट पर गांधी देने जी का ने हुआ क्या था तो कहा? सीआईसी को, गांधी जी ने क्या कहा है कि गांधी पारदर्शी को लोगों ने सीआईसी को पारदर्शिता किया था, लोगों ने सब हमारे सब जगह हमें पारदर्शिता नाम चाहिए, पब्लिक बस मार अपने दिया अलावा। गांधी अपने अलावा, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जी थोड़ा ने कहा था क्या पर्सनल है क्या प्राइवेट है तो इसमें थोड़ा ये, ध्यान रखा जो जाए, महेंद्र तो फिर कुमार ये जी ने, प्रॉब्लम। हाँ महेंद्र कुमार जी ने जो जिक्र किया है, इन दो फाइलों को मैं भेज दिया हूँ आपके चैट बॉक्स में, तो आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। चैट बॉक्स में आपके पहुंच रही है? हाँ दोनों पहुंच गई है। अच्छा, तो अपना आ जाती है, यस, कोर्ट ऑर्डर है, मूवेबल प्रॉपर्टी हाँ राइट्स। महमूद अहमद जी, क्या हाल चाल है बताइए, आपके भी कुछ प्रश्न हैं? एक बुजुर्ग जेंटलमैन दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ पूछना चाह रहे हैं ऐसा लगा। अनम्यूट कर लीजिए, पूछिए, कोई प्रश्न है आपके? हाँ हाँ बताइए महमूद जी। बताइए। चलिए, हमें लगता है कि उनका कुछ ऑडियो दिक्कत है। ठीक है, तारा सिंह जी अपने कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो तारा सिंह जी आपके जो ये एक याद होगा, एक मामला था, लोगों की उत्सुकता बनी रहती, अक्सर लोग फोन करके जानकारी लेते रहते हैं लेकिन हम उनको ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाते। एक मामला था आपको याद होगा, राव धनबीर साहब का, और एक SDM का मामला था जिसमें वो FIR दर्ज करवाई थी आप लोगों ने, फिर उसको कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कहा था कि आपको इसमें मतलब जांच में सहयोग करना पड़ेगा इस तरह से। उस वाले प्रकरण में कुछ रिजल्ट आने वाले थे, उसमें क्या हुआ, उसका कोई निराकरण हुआ? उस प्रकरण में आदरणीय शिवानंद जी, उसमें प्रसंज्ञान बहस हो चुकी है हाँ और 6 तारीख को उसकी डेट है, नवंबर में अच्छा। आदेश में रखी गई है फाइल, और बहस उसमें हो गई थी इसी महीने में, जी जी और कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस किसके खिलाफ ले नहीं ले जो है, अब मैं अपडेट करता रहूंगा आते ही सबसे पहले, क्योंकि वो एक इस वक्त वो सबसे आगे चलने वाला केस है, जी जी तो मैं अपडेट कर दूंगा उसको। तो 6 तारीख को है उसकी डेट ना। बिल्कुल, हमें लगता है कि यदि उसमें आप लोगों के पक्ष में निर्णय आ जाता है तो RTI के लिए बहुत अच्छा तो पूरे होगा। देश में,
पूरे देश में माइलस्टोन केस होने वाला है वो। सही है, माइलस्टोन केस होगा। और बाकी जितनी भी इस तरह से आप लोगों ने आरटीआई से रिलेटेड और पीआईओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई थी 166 वगैरह की, तो उसमें क्या किसी में कोई डिसीजन हुआ या खारिज हो गई या क्या हुआ, कोर्ट में कुछ हुआ उसमें ट्रायल? नहीं, खारिज वगैरह कईयों में, जैसे खारिज हुआ तो उसमें प्रोटेस्ट फाइल की गई, फिर प्रोटेस्ट पे बयान हो गए, बयान के बाद एविडेंस पेश किए गए, और एक साथ इस वक्त 9 फाइलें ऐसी हैं पूरे राजस्थान में जो माननीय न्यायालय में प्रसंज्ञान आदेश में चल रही हैं, क्योंकि अच्छा मेरी अपनी फाइलें भी हैं 3। और कोर्ट का उसमें ये कहना है कि साहब बिल्कुल अजीब मामला है ये, पूरे देश में कभी हुआ ही नहीं, तो हमें समझने के लिए समय चाहिए। कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं लेकिन वो आदेश के स्तर पर ही हैं, मतलब प्रसंज्ञान आदेश के स्तर पर हैं सारे। नहीं, मैं लगता है कि कोर्ट को इसमें इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एक कानून है, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो भले ही उस कानून में वो व्यवस्था नहीं है कि आप के ऊपर एफआईआर होगी या क्रिमिनल इस तरह से होगा या केस होगा, लेकिन फिर भी यदि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो अन्य तरह से, जिस तरह से उसमें आप लोगों ने धाराओं का उल्लेख किया है, मतलब लोक सेवक की क्या भूमिका हो कोर्ट्स का क्या सकती है, ये सिला, अपील उनका, जब कोर्ट्स को एक बड़ी अजीब सी क्वेरी है कि सेक्शन 23 है जो ये कहती है कि साहब आदेश के संबंध में कोई न्यायालय कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। हम कोर्ट को हमेशा से ही आर्ग्यू करते आए हैं कि सर हम आदेश की मेरिट पर बात ही नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि साहब एक आदेश हुआ, आदेश सही है या गलत है हम मानते हैं कि उसको केवल अपील में चैलेंज कर सकते हैं, पर सवाल ये उठता है कि उस आदेश की कंप्लाइंस नहीं कर रहा। एक आदमी कह रहा है कि मुझे चाहे कोई आदेश दे मैं तो नहीं मानता, तो ये कोई आदेश का मामला नहीं है, ये देश के कोडिफाइड लॉ का मामला है जिसका एक पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली वायोलेशन कर रहा है। तो खैर अब उसमें बड़ी हमने कई सारी चीजें दी हैं और केस लॉज वगैरह भी खूब सारे अच्छे पुटअप किए हैं उसमें, और इसमें फिर मुझे लगा कि नहीं कोर्ट में हो सकता है कि कोर्ट को ये समझने में दिक्कत आ रही है, तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल किए उसमें, कि ड्राफ्ट भी फाइल किया हमने कि कल को कोर्ट की नजर से कोई चीज चुके नहीं, हमने इलाबोरेट किया है कि साहब सद्भावना हो तब तो ठीक है नहीं करेंगे आप, लेकिन सवाल ये कि अगले की दुर्भावना है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी 10 बार ऑर्डर दे रहा है कि वो कह रहा है मैं तो नहीं मानता, हाँ, तो फिर तो ये इसके थोड़ी पास चलेगा। कौन और कौन हम एविडेंस लेगा भाई, कौन है? कोर्ट के पास नहीं जाएगा व्यक्ति तो कहाँ जाएगा फिर, सिस्टम क्या है? तो नहीं तो आप और हमारा एक्ट खुद ये कहता है 19(3) की धारा 19(1) या (2) में कोई ऑर्डर किया गया है 19(1) में, तो उससे व्यथित पक्षकार जाएगा, हमारे पक्ष में ऑर्डर हो गया, हम व्यथित हैं ही नहीं, हम कह रहे हैं कि साहब हमें तो ऑर्डर दिया गया कि इन्फॉर्मेशन इनको दे दो, तो अब इसके बारे में हम अपील कैसे करेंगे, हमारा एक्ट अपने आप ही मना कर रहा है, जब मुझे अनुतोष ही मिल गया तो मैं अपील क्यों करूंगा। तो खैर कोर्ट को सकारात्मक कैसे लेना चाहिए, हमारा भी निवेदन यही रहा है कोर्ट से, देखते हैं जैसे भी अपडेट होता है मैं बताता रहूंगा। जी, बिल्कुल हाँ महेंद्र कुमार जी, वो ऑर्डर पढ़ लिया मैंने, जी। ये सर सर केवल एक जो, मिनट, हाँ सर एक मिनट, जी उत्तराखंड सर। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, जो डीसी साहब गुरुग्राम के खिलाफ एफआईआर थी, उसका क्या क्या है सर? उसका भी थोड़ा सा स्टेटस बता देंगे प्लीज। उसमें प्रसंज्ञान बहस होनी है मित्र, है ना, वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके उसमें बयान बयान हो चुके हैं, कई सारी खामियां ऊपर थी तो हमने उसको रिओपन करवाने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं इसमें सफिशियंट एविडेंस है आप बहस करें, या सॉरी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें, तो कर दी गई है। उसमें बयान बयान के पुलिस ने बड़े अपनी मनमर्जी से लिख लिए थे, तो वो जो मामला है वो भी यही चल रहा है। दूसरा छिंत्र एविडेंस एक्ट में जो अपन पैरेलल लॉ की बात करें, जो डीसी गुरुग्राम वाला मामला भी था और ये भी है, जी उस पूरे मामले में अभी राजस्थान में एक और जजमेंट हुआ है हमारे जोधपुर सर्किट बेंच ने किया है कि साहब छिंतर एविडेंस एक्ट में जो आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो यहाँ दाखिल स्तर पर ही खारिज हो रहे थे जिला स्तर पर, कि नहीं साहब ये तो पोस्ट नहीं है आप अपील कर लें, कई आरटीआई मान रहे थे उसको, तो वो फिर से एडमिट करके कि स्टेट लेवल का एक केस और हो गया। नहीं, हमारे पास अब राजस्थान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर डॉक्यूमेंट लेने के लिए एक नहीं दो नजीरें हो गई है स्टेट कमीशन की, तो वो क्या क्या आप वो शेयर कर देंगे? क्योंकि मेरे भी 3-4 मैटर चल रहे हैं। एक में तो हमारे हरदीप जी चंडीगढ़ गए हुए हैं, एक एक साल हो गया है मैं लेकिन शेयर उसका कर ऑर्डर ही दूंगा, नहीं हो रहा है। मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे पर्सनल नंबर पे आप चैट कर लेंगे तो मैं भेज दूंगा, या आदरणीय शिवानंद जी को मैं शेयर करूंगा उस जजमेंट को, तो वो आप वहां से भी उसको ले सकते हैं। वो छोटा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको 1 या 2 मिनट के वीडियो की तरह मैं उनको भेज दूँ, तो ग्रुप में वो सेंड कर दे, शेयर कर देंगे उसको, जी, तो समझना भी आसान रहेगा और जजमेंट भी आपको साथ ही शेयर कर देंगे, तो ठीक भी रहेगा हमारे लिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट को देख ही रहे हैं शिवानंद जी, तो सबके लिए आसान भी है वहां से उसको सर्कुलेट होना। ये बहुत अच्छा मैं रहेगा आज ही सर। कर दूंगा, शिवानंद जी के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो आप ठीक वेट कर लें, दोपहर 3-4 बजे तक मैं कर दूंगा उसे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। जी, और आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हम महेंद्र कुमार जी जुड़े हैं? सूरज जी जी हो गया सर जी सूरज से। हाँ हाँ, महेंद्र कुमार जी, जो आपने जो ऑर्डर शेयर किया था वो पढ़ लिया मैंने। ये ऑर्डर क्यों 6-2 के बारे में है कि सर, मेरा एक कैसे? सवाल है सर। हाँ, पूछना क्या हेलो, मांगी? ऑर्डर मैंने लिखा है, पूछना क्या मेरी आवाज जा मांगी रही है सर? जी? ये आयोग ने ऑर्डर कर दिया कि 3 दिन में सूचना दी जाए, तो क्या 3 दिन में सूचना नहीं मिली आपको? क्या है कि खतरा का मामला है सर, वहां पे क्या है हाँ कि पैसा देने में फर्जी वादे करके लैंड प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, और मेरे जैसे कई लोग से जो है एडवांस पैसे लेके उसके बाद उसको जो है ऐंठने का काम करते हैं, ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, उसका रिमेडियल एक्शन क्या हो सकता है सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किस बारे में? डॉक्टर सज्जन कुमार बोल रहे हैं या? ओके, अच्छा, ये रेरा से संबंधित है क्वेश्चन। हेलो, हेलो, आप अपने आप प्रश्न पूछिए जो पूछ रहे थे। हाँ सज्जन कुमार जी, सज्जन सिंह, नेटवर्क था ये। सुरेश मौर्या जी बार बार क्या चैट में आप लिख रहे हैं, आप पूछिए अपना प्रश्न क्या है सुरेश मौर्या जी। हेलो क्या बोले सर? सुरेश मौर्या आप जी, पूछना, क्या प्रश्न है? पूछ जी लीजिए सारा सिंह जी सर, मेरा जी सवाल एक है तारा से, कि हाँ जी अगर जेल कस्टडी के अंदर में रहते हुए कोई व्यक्ति वहां हाँ से कोई मजिस्ट्रेट के सामने अपनी फरियाद रखता है, और वो फरियाद रखने के बाद में अगर उसकी फरियाद नहीं लिखी जाती है तो क्या कार्रवाई मतलब किया जा सकता है? देखिए, तारा कस्टडी में रहने के दौरान फरियाद रखने का अधिकार आदमी का कभी खत्म होता ही नहीं है। अगर फरियाद आपने दी है तो सीधी बात है कि जेल कस्टडी में रहने के दौरान आदमी के जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो थ्रू जेलर होता है। और कहीं भी अगर ये पाया जाए कि जो लॉ है या जेल रूल्स हैं उसका वायलेशन हुआ है, तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को भी इनवाइट करता है। और अगर आपको किसी लीगल रेमेडी से रोका गया है तो डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी होने की वजह से वो क्रिमिनल केस में भी दायर होता है। अब सवाल ये है कि इसका अगर पूरा कोई डिटेल आप मुझे उपलब्ध करवा पाए तो अपन डिटेल में बात कर पाए, चूंकि प्लेटफॉर्म पर इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मौर्या जी, आप तो हमारे निजी मित्र हैं, पर्सनल फोन नहीं करके सर, पूछ लीजिएगा। नहीं सर, मैं खाली पब्लिक है, पब्लिक के अंदर में इतना खाली जानकारी, मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन इसके लिए ही है कि पब्लिक के अंदर में जो ये मैसेज जानना चाहिए, अगर कस्टडी में रहते हुए कोई व्यक्ति लेटर लिखा है, मजिस्ट्रेट के परमिशन लिया है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया है वीडियो कॉलिंग के दौरान कि भाई मुझे फरियाद करना है, मजिस्ट्रेट ने परमिशन दिया जेलर को कि भाई आप इनकी फरियाद लीजिए, और वो उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने मैंने फरियाद देने के लिए मजिस्ट्रेट जेलर को बोला तो जेलर ने मेरी फरियाद लिया, लेकिन जो फरियाद मैंने दिया है जेलर को वो फरियाद की कॉपी मैंने आरटीआई के थ्रू मांगा हुआ हूँ, वो कॉपी मुझे नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ नहीं, उसके जेलर लिए को? तो उसके लिए आपको आरटीआई से मांगने की जरूरत भी नहीं है। कोपिंग रूल्स जो होता है ना, जुडिशियल कार्रवाइयां होती हैं जेल में, आपके जेसी वगैरह किसी की भी होती है, तो आप जो हाँ सिंपल कोर्ट में नकल आवेदन जो मूव करते हैं ना, हाँ आप उससे भी ले सकते हैं, ज्यादा एफिशियंट, और उसमें मना करने का कोई है ही नहीं। जिस किसी में कोई भी बंदी किसी केस में कहीं जुडिशियल कस्टडी में गया था और जेल में था, उस दौरान उसका जो कोई भी रिकॉर्ड है उसका पर्सनल, वो सारा कोपिंग एक्ट से भी आप ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है आपको उससे। पर अगर नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद वो जो फरियाद करने से रोकना है वो आपके आर्टिकल 32 का वायोलेशन है, तो आप उसमें हाईकोर्ट में रिट में भी जा सकते हैं, नीचे अगर लाना चाहें तो क्रिमिनल कंप्लेंट भी आ जाएगी, सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर आपको कॉपी चाहिए पर्टिकुलर, तो कॉपी मैं आपको निवेदन करूंगा कि वो आरटीआई की बजाय आप जो नकल नियम जो है उसे ले लें, जो कोर्ट में मिलता है ना नकल वाला फॉर्म। सर कोर्ट से और नहीं चाहिए, सर कोर्ट से नहीं चाहिए, जो कस्टडी जेल कस्टडी के अंदर नहीं, में, जेल मैं जो कहना कस्टडी। था हाँ वो जी जी ये है सर, कि जो कोर्ट में नकल आवेदन मिलता है उसको ले लें आप। ठीक है सर। आप उसको संबोधित करें नकल प्रभारी और उस कारागार का नाम, केस हाँ नंबर, डिटेल सारी उसमें भरें, और उसके बाद ये कहें कि साहब इतनी इतनी तारीख ये फरियाद है, इस केस से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया था उसकी मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, देनी पड़ेगी उनकी। ठीक है सर, बस यही सर, वो पब्लिक में यही खाली जान मतलब हाँ, मैसेज उसके एनीवन लिए। एनीवन ले सकता है, आप ओके ले ओके सकते हैं उसको, आप पर्सनल है आपका, देनी ही पड़ेगी, ठीक उसमें नानुपुर का कोई काम ही नहीं है। ओके सर। हाँ, राम सेवक जी चौहान साहब।
अनम्यूट कर लीजिए, राम सेवक चौहान जी आपका हैंड रेज है। सर प्रणाम, मैं राम सेवक चौहान यूपी से बात कर रहा हूँ। जी मैंने मेरा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में एक अपील दायर थी कि सीटी फुटेज के लिए, तो वहाँ से अभी एक सूचना आयुक्त का सुधीर कुमार जी हैं, उन्होंने दिया है कि सीटी फुटेज गोपनीय है। और कहाँ का उन्होंने इसका सीसीटीवी फुटेज किस चीज का? पुलिस स्टेशन का नहीं, हमारे राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन में डिसाइड हो रखा है, ये कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, देखिए हमने उनके यहाँ राहुल सर का भी लगाया था, राजस्थान का भी लगाया था, और केंद्रीय सूचना आयोग का भी लगाया था, इसके देश के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि नहीं गोपनीय है। आप इसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर ले, मिल जाएगा। और दूसरा, अगर कमीशन की खुद की अगर कार्रवाइयां भी मांगते ना, तो वो भी खुले न्यायालय हैं, उनकी कार्रवाइयां भी गोपनीय नहीं है। राहुल सिंह सर तो डिस्प्ले करते थे ना फेसबुक पे लाइव, आपने देखा ही है। देखा हूं सर, लेकिन वो सब लगाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो तो ये तो हठधर्मिता है, हाईकोर्ट चैलेंज करें तुरंत प्रभाव से। ओके ओके सर। और आपके शायद यूपी में तो रिव्यू का प्रोविजन भी है ना? हाँ, उन्होंने रिव्यू कहा है, लेकिन 6 महीने बाद, देखिए अब 6 महीने हो गया था डिसीजन करते करते, उनको 1 साल तक खींचे, अब 6 महीने पे अभी रिव्यू कर दिया हूँ, उसको भी 6 महीने फिर लेंगे, 18 महीने में तब तक खत्म हो जाएगा फुटेज मेरा। नहीं तो इसको तो फिर हाईकोर्ट ले आए आप। ठीक है सर। हाँ सर, इस चीज में थोड़ा सा मैटअप करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ। राम सेवक जी, वो वीडियो फुटेज मिलना है नहीं मिलना है वो सब बाद में डिस्कस हो जाएगा, पहले ना आप उसको सेव करने का एक आवेदन दे दीजिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस फिक्स करवा दीजिए। सेव करने के लिए तो आवेदन मैंने सबको दे दिया हूँ, एसपी, एडिशनल एसपी, क्षेत्र अधिकारी, डीजीपी, डीआईजी, एडीजी, सबको दे चुका हूँ। नहीं, वो रिट पिटीशन में आ जाएगा ना, रिट पिटीशन में पहले आप सबसे पहले आप यही मांगे रेमेडी पहले कि साहब कि सबसे पहले तो ये डायरेक्शन जारी करें कि इसको सेव करें, प्रिजर्व करें इसे। ओके ओके सर। पर ये तो होने वाला मामला हो जाएगा, ऐसा क्या पुलिस थाने में ऐसी क्या चीज है कि जो गोपनीय हो? और जब परमवीर सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि साहब थाने में जो वायलेशन होते हैं पब्लिक के, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, ये सारे जो एविडेंसेस मैनिपुलेशन होते हैं, इनको रोकने के लिए केवल टॉयलेट्स वगैरह को छोड़कर बाकी सब जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, तो बहुत क्लियर पहले से मेंशनड है, तो इसमें गोपनीयता जैसी कोई चीज नहीं है। महोदय वो एडीजी रह चुके हैं सूचना आयुक्त। नहीं एडीजी क्या, यहाँ तो चीफ सेक्रेटरी है, वे लोग भी है ना राजस्थान में तो सब रहे, एडीजी कोई बहुत ऐसा, आपको क्या लगा कि एडीजी रह चुके हैं तो कोई बहुत बड़े ज्ञाता हो गए क्या वो? नहीं, इतना वो पुलिस को मतलब छुपाने के लिए एडीजी रह चुके हैं, लेकिन एमपी में भी यही हाल है इस समय। हाँ, हमारी यूपी में तो अभी राजस्थान में तो हमारे डीजीपी रहे हुए हैं, मोहनलाल जी लाटर, वही सीआईसी हैं, पहले वो आईसी थे अब सीआईसी हैं, तो एडीजी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उनकी अप्रोच इसीलिए है ना। सरदार जी, वो इनका ये कहना है कि वो पुलिस विभाग के एडीजी थे, तो वो पुलिस विभाग की जानकारी जब आती है वो थोड़ी देने देंगे, तो आप जैसा कह रहे हो कि इनको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाए वहीं से ट्रांसफर करवा लें, फाइल को ट्रांसफर करवा लें। दूसरी बात, अब तो चूंकि आपका आयोग के स्तर पर निराकरण तो हो चुका है इस अपील का, तो अब आप तो आपके पास रेमेडी केवल हाईकोर्ट बची। ठीक है सर, हाईकोर्ट आ जाए। ओके। मध्य प्रदेश में भी इस बार सूचना है तो जो डीजीपी बने वो ऐसा ही है, वो पक्ष करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं। अभी अभी शिवानंद जी, एक जबलपुर हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, जस्टिस आलूवालिया जी ने, कि मध्य प्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी लगना है बिल्कुल, मार्च 2025 तक इसका कंप्लायंस जी। तो बिल्कुल उसमें लगना है, और जो जिसमें दोषी पुलिस वाले और टीआई थे उनको एफआईआर करने के आदेश भी दिए हैं, और उनकी ड्यूटी भी 900 किलोमीटर दूर लगाई है जहां पे पदस्थ थे वो, उस पर भी उनके ऊपर भी 1,25,00,000 रुपए की वसूली करके, और जो जिसने जो निर्दोष साबित हुआ है उसको देने का उन्होंने बोला है कि आप 1,20,000 रुपए यहाँ से इनसे वसूल करके जुर्माना करके और पीड़ित को दिलवाए जाने का भी एक आदेश किया है उन्होंने। अगर ये सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाए, वो सीसीटीवी नहीं लगाए जाते हैं थाने में, तो इसमें उनको भी पार्टी बनाया जाएगा, ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन दिया है उन्होंने, 41 पेज का फैसला सुनाया उन्होंने। तो जबकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला भैया कि हर थाने में सीसीटीवी लगने हैं, लेकिन अब इन्होंने भी एक जोड़ दिया उसमें कि थाने के हर कमरे में आपको सीसीटीवी लगा के रखना है इस बार।
ये एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है उन्होंने, अब देखते हैं कब तक लागू कर पाते हैं क्या करते हैं। एमपी का हमारे भारत की जुडिशरी में एक बहुत बड़ा एहसान है जो माइलस्टोन केस है, डीके बसु केस है ना, आप इजीली देखेंगे तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो चुका है, एमपी हाई कोर्ट ने भी किया था, बाद में अफर्म किया गया उसे, कि किसी आदमी को, जो आदमी निर्दोष साबित हो गया किसी कोर्ट के द्वारा और उसकी अपील नहीं हुई, यानी वो अंतिम तौर पर निर्दोष मान लिया गया है, तो उसने जितना समय जुडिशियल कस्टडी में बिताया है या पुलिस कस्टडी में बिताया है, चाहे वो एक घंटा ही क्यों ना हो, वो इलीगल डिटेंशन मानी जाएगी, और स्टेट इज लाइबल टू पे ₹5 लाख एज कंपनसेशन फॉर द सेम। यानी अगर आप निर्दोष साबित हो चुके हैं और उसके बाद आप आते हैं इस चीज को लेकर कि साहब आपकी वजह से मेरे को 14 दिन जैसी काटनी पड़ी, या मैं 3 दिन पीसी में था, या 1 दिन पीसी में था, 1 घंटा था, तो वो आपकी जिंदगी का जो समय है वो 5 लाख रुपए कीमत रखता है। तो जो मित्र हैं आपके, या जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसपे 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन के लिए ऑर्डर किया है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बिल्कुल आपने सही बताया है, ये ऑर्डर आप थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा शिवम जी, आपको शेयर करूंगा। डीके बसु है, इस केस का उल्लेख किया गया है डॉक्टर रीनी जोहर केस में, डीके बसु केस में तो अमिकस क्यूरी बनाया गया था, और फिर रीनी जोहर केस जब हुआ तो इसमें इसको रिपीट किया गया, 5 लाख रुपए देना मैंडेटरी है स्टेट के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है, उसको ये कहें भाई को कि वो अप्रोच करे ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि साहब ये 5 लाख रुपए कंपनसेशन के लिए ऑर्डर और करो मुझे, ये इस केस में दे रखा है, तो 5 लाख रुपए और मांगता आज की तारीख में स्टेट में। सर सेकंड केस लो प्लीज, रिपीट कर दीजिए। डी के बसु के साहब, अगर गूगल पे डालेंगे ना, गूगल पे डालेंगे हाई कोर्ट एमपी डी के बसु, डी के बसु के बाद दूसरा तो बताए आप, सुप्रीम डी के बसु केस है, सुप्रीम कोर्ट में फिर डिसाइड किया था, एमपी का था, एमपी सोचे और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड हुआ, और ऐसे ही डॉक्टर रीन जोहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस है। थैंक यू सर। डॉक्टर रीनी जोहर JOHAR, ये दोनों केस आप फाइंड करें, बहुत इजी इजी फाइंडिंग है, बहुत आसानी से समझने वाली चीज है। सही, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का कोई हो तो। सर मेरी आवाज गई थी सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर वो बताया था लखनऊ का है सर ये केस, जो प्रॉपर्टी एजेंट वगैरह होते हैं अपना फर्जी नाम और प्रॉपर्टी कंपनी बना के और आम जनता को गुमराह करके पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, तो वो तो रेरा के अंदर आएगा नहीं सर, तो आरटीआई के प्रीव्यू से भी बाहर है सर, तो इसका रिमेडियल एक्शन क्या हो सकता है सर? रेरा के अंदर आते ही है, Section 3 और 4 का उल्लंघन है, रेरा को आप अच्छा 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 रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते है तो वो रेरा में Section 3 और 4 में पनिशेबल ऑफेंस है ना। तो हम कंप्लेंट कहाँ देंगे सर? रेरा, जो उत्तर प्रदेश के रेरा को। अच्छा सर, रिस्पेक्टिवली वहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ यस, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको आप दीजिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के पैसा ऐंठ रहे है ना सर, क्योंकि कैश ले लिया और रिटर्न कर नहीं रहे, बोल रहे हैं तो अब जो बिकेगा तब वो, हमारे से दर्जनों लोगों के साथ ऐसा हुआ है सर। हाँ यस यस, वो भी कर सकते हैं और फिर क्रिमिनल भी FIR कर सकते हैं, वो भी एक उपाय है। ओके सर, क्योंकि जो उन्होंने ये रिसिप्ट दिया है ना सर, जो पेमेंट रिसिप्ट दिया है उसमें ना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कुछ है। हाँ यस, तो वो चीज आप चैलेंज कर सकते हैं रेरा में भी, और इसमें वो क्रिमिनल FIR भी हो सकती है, दोनों दोनों उपाय है आपके पास। प्रेजेंटली सर मैं मुंबई में हो सकता हूँ, वहाँ पे कर सकता हूँ FIR सर? हाँ कर सकते हैं, अब तो BNS में तो पूरे भारत में कहीं से भी कहीं भी की जा सकती है। ओके थैंक्स। BNS पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फिर ट्रांसफर करना उनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पर वो ट्रांसफर करे उसको, आप पूरे भारत में कहीं से भी कर सकते हैं, किसी को जीरो FIR वो जीरो FIR जुलाई 2024 के बाद, क्योंकि वो थ्रेट भी किए थे कि आप जो है लीगल एक्शन लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि लीगल एक्शन क्या होता है। वो थ्रेट नहीं है लीगल, वो तो आपने बोला लीगल एक्शन, उन्होंने जवाब दिया ये थ्रेट नहीं है। अच्छा अच्छा सर, कोर्ट में जाना धमकी नहीं है, कोर्ट में हम आपको देख लेंगे ये भी धमकी नहीं है, कोर्ट में हम आपके केस को देख लेंगे ये भी धमकी नहीं है, कोर्ट में जाना सभी को पार्टी का अधिकार है। आप किसी को ये कहते हैं कि साहब मेरी बात है ना ये कानून में है और अगर आप नहीं मानोगे तो आप पे मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा और बाद में आप इसका परिणाम भुगतेंगे, ये भी धमकी नहीं है, ये भी धमकी नहीं है यार, कोर्ट में डिफेंड करने का भी अधिकार है। राजस्थान के अपने आरटीआई एक्टिविस्ट है कमलकांत मारवाल, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई थी गंगानगर में।
बाद में हम उसको हाईकोर्ट तक लड़े और राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको डिसाइड किया है कि जब तक सुसंगत तथ्य नहीं हो कि उन्होंने आपको किसी और प्रकरण में धमकी दी, प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए कहना कि आप अपराध कर रहे हैं और आवाज नहीं आ रही ताराज सिंह जी, कुछ म्यूट हो गया सर, आप म्यूट हो गए क्या? ये म्यूट हो गया सर। ताराज सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा आपने। ब्रेन साहब मैं तो खुद बंद कर देता हूँ बीच में बोल के। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छा बात पूरी हो गई होगी। तो इसमें क्या है कि जो लिख के भी कई बार लोग देते हैं कि आप कृपया मेरे प्रत्यावेदन पर कार्रवाई करिए, अन्यथा जो है मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, तो इस तरह से लिखना धमकी में नहीं आता है ना, जैसे मैं लिखता हूँ मेरा लिखने का तरीका, महोदय महोदय मैं नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हे लोक सेवा कोमा, भारत के संविधान के समस्त अधिकारों को धारण करते हुए भारत के नागरिक के रूप में मैं आपको आदेशित करता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा इसमें दिए गए प्रोविजन के अनुसार ये सूचना उपलब्ध करवाकर आप मेरी सेवा करें। फिर नीचे नोट में लिखता हूँ कि इस आवेदन पर विचार करने से पूर्व ये कानून के सुस्थापित सिद्धांत की आपको समस्त कानून की जानकारी है, कानून का एक बार अच्छे से अध्ययन कर ले, धारा 52 आईपीसी नए वाले में भी दे रखा है, सद्भावना का अध्ययन कर ले, एक्ट को ठीक से पढ़ ले, आपका कोई भी कानून का उल्लंघन आपके प्रति मेरी दंडिक सिविल अपील ये किसी तरह की कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है जिसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर लिखता हूँ, हर आवेदन में लिखता हूँ और ये कोर्ट तक मैंने लड़ा है इस चीज को कि ये कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर देने वाले। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बींग पब्लिक सर्वेंट, यू बींग पब्लिक सर्वेंट एंड आई एम बींग पब्लिक, मैं ये अधिकार रखता हूँ कि मैं आपको आदेश दूं। संविधान की सारी शक्तियां एक नागरिक के रूप में मेरी ही शक्तियां हैं। ताराचंद सर, एक अपना आवेदन कृपक रूप में करें ना, ताकि हम भी उसी का अनुपालन करें। हाँ शिवानंद जी को शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ, शिवानंद जी आप तो शेयर कर देंगे प्लेटफॉर्म पर, ग्रुप में डाला करें तो थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो जाएगा। हम ग्रुप में डाल देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम डाल देंगे ग्रुप में। ताराचंद जी हमें भेजेंगे, उसी ग्रुप में आ जाएंगे सब। एक छोटी सी आपसे एडवाइस चाहिए, छोटी सी। मैंने एक आवेदन कर दिया, आवेदन करने पर मुझे सूचना नहीं दी, ये नगर निगम का मामला है जो कि मोस्टली यही कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट अपील डाल दी, फर्स्ट अपील पे मुझे बुलाया गया, फर्स्ट अपील पे मैंने अपने सारी के सारी जो भी तथ्य थे ये मुझे चाहिए और ये नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी का ऑर्डर होता है, जैसे ही ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के 15 से 20 से 25 दिन में वेट करता हूँ, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो मैं फिर उसके बाद प्रथम अपील अधिकारी को ये लिख के डालता हूँ कि श्रीमान जी आपने जो कानूनन आदेश दिया था उस आदेश की पालना प्रथम ये जो अपना जनसूचना अधिकारी ये नहीं कर रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो आपने आदेश दिया है उस आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो रहा है। कानून में इसे इजरा बोलते हैं जी, इजरा 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 कंप्लायंस, कि आपका अच्छा, आदेश अच्छा। की कंप्लायंस करना करवाना आपकी जिम्मेदारी है जी जी। अब आगे क्या कार्रवाई करूं मैं, क्या एफआईआर के लिए डाल दूं या क्या करूं? आपके पास कई सारी रेमेडी जी, वही बताइए सर। जो सूचना पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहा है 18A की कंप्लेंट आ सकती है, आप अपील भी करें, अपील में ये कहें कि सूचनाओं के बाबत मेरा कोई भी अपील नहीं है, सूचनाओं के अनुतोष मुझे प्रथम अपील अधिकारी के स्तर से प्राप्त हो चुके हैं, यह द्वितीय अपील केवल हठधर्मी लोक सूचना अधिकारी को दंडित करवाने के प्रयोग से प्रयोजन से दर्ज की जा रही है, माननीय आयोग अगर इसे उचित समझे तो इसे परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकता है। रेमेडी में आप मानेंगे कि प्रथम अपील अधिकारी के आदेश 100 को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करने का आदेश जारी किया जाए, ठीक, इनको दंडित किया जाए, इनसे मुझे क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए, इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। ये तो है आपको अपील के थ्रू रास्ता, आप चाहें तो इसको क्रिमिनल कंप्लेंट में भी ला सकते हैं जी। तो वही कहा ना, मन मर्जी किसी के बाप की नहीं है, कि वो आदेश दे दिया तो नहीं देगा, ऐसे तो कोई किसी को नहीं मानेगा,
कल को आयोग को नहीं मानेगा, परसों हाईकोर्ट को नहीं मानेगा, तो ऐसे किसी को लेफ्ट नहीं किया जा सकता ना कि कोई मनमर्जी के लिए बैठा रहे। और मैंने तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी को भी लिखा है कि आप जो आदेश करें उसकी पालना भी आप स्वयं ही सुनिश्चित करें। भाई हमारा जो आदमी जी पहले जिक्र कर रहे थे कि सुनीता मीणा एसडीएम थी यहाँ कोटपूतली में, उनका भी सेम केस था, वो हम हाईकोर्ट से लड़के आए हैं नीचे, फिर कोर्ट में हाईकोर्ट ने भी ये माना कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए, स्टे वापस ले लिया उनका। अब हम उसमें प्रसंज्ञान कराने में लगे हैं, इसी 6 तारीख को डेट है आदेश में, तो लगे उसमें मित्र, आप वाला जैसा ही केस है। अच्छा चलो, तो फिर इसका थोड़ा वेट करके उसके बाद डालते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की भी नाजिर आ जाएगी अपने पास तब तक। सर प्लीज चैट बॉक्स देख लीजिए तारा सर, ये लिखा है ज्योमी, यही है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आरटीआई एंड द आरटीएस कमिश्नर वर्किंग ऑन पोस्ट। हाँ यस, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, इसमें आपने लिखा आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 350 तो भाषा के बारे में है, क्या आपके भाषा से संबंधित समस्या है, इंग्लिश हिंदी का डिस्प्यूट है क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों अलाउड है आरटीआई में, और आरटीएस राइट टू सर्विस है, उसका आदेश हुआ होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेंट 90 दिन में करना, ये कौन से धारा में है? वो अलग अलग काम करते हो तो अलग अलग उसमें एक्ट लगेगा ना, आरटीआई का काम करते हो तो आरटीआई एक्ट लागू होगा, आरटीएस का करेंगे तो आरटीएस एक्ट लागू होगा, राइट टू सर्विस। और इसका आर्टिकल 350 के साथ क्या संबंध है? 350 तो भाषा के बारे में, क्या आपका इंग्लिश या हिंदी से संबंधित कोई डिस्प्यूट है? ब्रेंसर जो मैंने भेजा हुआ है वो भी देख लीजिए प्लीज, एआरटीओ वाला। आपने लिखा ऑन द इश्यू ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट कंट्रोवर्सी ऑन द एक्सप्लेनेशन, कौन महेंद्र कुमार जी बोल रहे? ये आरटीओ, अच्छा ये हो, नया वाला जो पीडीएफ भेजा अभी। जी सर शुभम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, एआरटीओ। अच्छा ये सीसीटीवी रिक्वेस्ट है ना? यस सर, सर उन्होंने रिप्लाई भी किया है ऊपर देखिएगा। ये तो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन है ना? इसका ऊपर उन्होंने रिप्लाई भी दिया है, जो मैंने वाटर वो वाला दूसरा वाला आपको भेजा है ना, दो पीडीएफ है। ओके ठीक है, अभी क्या और भी प्रश्न है वीरेंद्र जी, या कार्यक्रम को समापन किया जाए? 1 बज गए सर, थोड़ा सा एक डाउट है सर, आरटीआई डाला सर मैं। हाँ ठीक है, और ये जो पोस्टल पोस्टल ऑर्डर की कॉपी मैं उसमें अटैच किया था, इवन तो उसमें मेंशन भी किया था, बट वहाँ से जो रिप्लाई दिया पीआईओ ने, वो बोला कि कॉपी नहीं है, वो फिजिकली गायब कर दिए इंटेंशनली, और बोले कि आपकी आरटीआई जो है पेंडिंग रखी जाती है फर्दर जब तक कि आप पोस्टल ऑर्डर की कॉपी ना दें। तो जो उसमें मेंशन किया है सर पोस्टल ऑर्डर की सीरियल नंबर, वो तो अब मेरे पास है नहीं, तो अब क्या दूसरा पोस्टल ऑर्डर में दे सकता हूँ? पोस्टल ऑर्डर का काउंटर फाइल आपको अपने पास रखना चाहिए फाड़ के, जो अध पन्ना होता है ना लेफ्ट साइड का, जो छोटी सी स्ट्रिप होती वो है, रखा हूँ सर। हाँ, वो रखा हूँ सर, वही सफिशियंट होता है प्रूफ भेजने का, आपको फोटो को पोस्टल ऑर्डर की फोटोकॉपी करना आवश्यक नहीं होता है, जो काउंटर फाइल होता है उस पर भी वही नंबर लिखा होता है जो आपके पोस्टल ऑर्डर पर एटीएम नंबर उस पर भी प्रिंटेड होता है, वो सफिशिएंट प्रूफ है, उसकी फोटोकॉपी चल जाएगी कि आपने 10 रुपये पे किया है। तो उसका फोटोकॉपी करके लेफ्ट साइड वाला दे दूं सर उनको? मित्र एक बात बताएं, आपने जो भेजा है उसमें A4 साइज का एक पन्ना होगा जो आरटीआई डाला है सर? आरटीआई डाला उसमें एक पेज ही तो होगा, 2 पेज का है सर। 2 पेज का कोई बात नहीं, उसके साथ आपने पोस्टल ऑर्डर लगाया था? यस सर। फिर लिफाफा था? हाँ सर। अब उसकी जो डाक रसीद है उसके ऊपर उसका वजन लिखा हुआ है? हाँ सर।
वजन कितना है देखिए, जस्ट अ मिनट सर। बीस ग्राम लिखाऊंगा उस पे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वजन 33 ग्राम है। हाँ कितना? 33 ग्राम है। 33 ग्राम है तकरीबन, 8 ग्राम वजन होता है एक 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 कागज का, जो अच्छा कागज है 90 GSM, 8 ग्राम वजन होता है। 75 GSM, 75 GSM, A4 5 ग्राम का होता है, और आप उस पर से एस्टिमेट कर सकते हैं कितने पृष्ठ उसके अंदर होंगे। इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके लिफाफे में ये सारी चीजें मौजूद थी, और अगर अब वो ये होशियारी कर रहा है कि साहब ये चीजें इस तरह से डिस्ट्रॉय हुई है, तो आप उसको ये ठीक से कह दें कि साहब ये आपके पास सफिशियंट साक्ष्य हैं इसको साबित करने के लिए, उसके सीनियर अथॉरिटी को कहें कि साहब ये इसमें तो अपील में जाए और ये रेमेडी और मांगेंगे, इनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करें, वरना आप कर सकते हैं। ये इस तरह की होशियारी पहले राजस्थान में हो चुकी है। ये सर डिफेंस का मामला है सर, एयरफोर्स का है सर। नहीं एयरफोर्स हो तो क्या हो गया, वो एयरफोर्स तो बाहर थोड़ी है देश के कानून से। और दूसरा क्या सर, उसमें जो है अपीलेट अथॉरिटी का एड्रेस भी नहीं दिया उन्होंने कि यदि आपको कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे जाए। यहाँ उसी कवरिंग लेटर बना के भेज देंगे, आपकी जिम्मेदारी है धारा 7, 8, 1, 2, 3 में कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का आप मुझे बताते, क्योंकि आपने इस बारे में मुझे नहीं बताया, इसलिए इसके संलग्न, इस पत्र के संलग्न मेरी फर्स्ट अपील है, उसको सक्षम अधिकारी तक आप पहुंचाए, मुझे सूचित करें। ओके सर, थैंक यू सर। सर इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। सर इस चीज के लिए हम लोग मनी ऑर्डर यूज कर रहे हैं, और मनी ऑर्डर में क्या होता है कि ई मनी ऑर्डर होता है, उसमें डिलीवरी रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाती है, तो आप 10 रुपए पे 1 रुपए का कमीशन लगता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं मैं भी वही कर रहा हूँ, जहाँ मुझे ई ग्रास चालान नहीं मिलते हैं वहां मैं भी वही इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को प्रीफर करता हूँ हमेशा से ही, वो अच्छा मैसेज ऑप्शन राइटिंग है। के लिए जगह होती है। हाँ मैसेज राइटिंग के लिए उसमें जगह होती है, जो पुराने मनी ऑर्डर फॉर्म होते थे मैनुअल उसमें भी ये प्रावधान था, लेकिन हाँ मतलब छोटी एप्लीकेशन है, ज्यादा मुद्दे नहीं है, तो फिर आप उसमें वो मैसेज में लिख सकते हैं कि क्या कंटेंट है ना। नहीं तो ये आरटीए के लिए कोड है सर, उसमें आरटीए फी के लिए अलग से कोड है, शायद 22 नंबर है या 12 नंबर है कि आरटीए फीस के लिए जा रही है, और मैसेज जो नीचे बॉक्स होता है उसमें भी लिख सकते हैं ये। यस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ, वो बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है ईएमओ। हाँ यस सर, अब तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रावधान हो गया। हाँ कुछ स्टेट में ऑनलाइन ऑनलाइन भी पोस्टल ऑर्डर जनरेट हो गए, ई मनी ऑर्डर की जगह ई पोस्टल ऑर्डर भी जारी हो गए, जैसे दिल्ली सर्किल है, शायद बिहार सर्किल में भी है। यस कई लोग पोस्ट पब्लिक अथॉरिटीज भी ले लेते हैं, और ये भी एक मतलब आसान हो गया है पहले से, कई अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट है जो वैलिड है। मनी ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इजी है बनस्पत अदर ऑप्शंस के, मतलब व्यक्तिगत। हाँ नहीं बिल्कुल मोस्ट इजी ऑप्शन है। ठीक है, तो फिर कार्यक्रम को विराम दिया जाए यहाँ पर। बीरेन जी और तारा चंद जी और सभी आप साथियों एक बार सर मेरी एप्लीकेशन देख लीजिए सर, उन्होंने बोला है कि रमेश चंद्र बनाम अशोक कुमार शुक्ला सीआईसी केस में मतलब साइटेड कर दिया है, ये केस लो और मुझे ये सूचना नहीं दी जाएगी। मैंने ARTO ऑफिस के मेन गेट की CCTV फोटोज मांगी थी सर, वहां पे दलालों का बहुत ज्यादा प्रकोप है, मतलब ऑफिस में बिना उसके DLVL नहीं बनता है पैसों के। क्या करना है आपके, देखिए बीरेन जी देख लीजिए इनके। ये लिखा है इन्होंने, हाँ इन्होंने लिखा है कि यदि सूचना याचक की इप्सा लोक प्राधिकारी को तंग करने की दृष्टि नियति से की जाती है, तो जन सूचना अधिकारी सूचना दिए जाने हेतु बाध्य नहीं है। तो ये चूंकि जन सूचना अधिकारी का निर्णय है, तो इसमें आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, और आप उनको लिख दीजिए कि मेरी इसमें जो है तंग करने की कोई दृष्टि या नियति नहीं है, है ना, इस तरीके से करके आप इसको फर्स्ट अपील लगा दीजिए। ओके हाँ कि तंग करने की नियत से नहीं किया गया है ना, ओके ओके हाँ क्योंकि वो इंटेंशन और ये सब चीज़ें है ना, 6-2 में ये सब चीज़ें मतलब बताना आवश्यक नहीं है कि आप क्यों सूचना मांग रहे हैं, तो इसलिए इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते आपके ऊपर कि तंग करने की नियत से आप कर रहे हैं। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश जी आपका क्या प्रश्न है, अंतिम प्रश्न पूछ लें। सर आप सभी लोगों को प्रणाम सर। मैंने सर एक विद्या भारती की स्कूल है, विद्या मंदिर की स्कूल में मैंने RDI लगाई, जिसमें वो ये बोलना चाह रहे हैं कि
हम आपको सूचना नहीं देंगे क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान है, इसमें कोई वित्त हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम नहीं देंगे आपको कोई भी आरटीआई जवाब। आप कौन से राज्य में हो? सर मैं उत्तराखंड से हूँ सर। हाँ जी, इसमें आपको फिर जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स या डायोस होता है, या जो बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह होते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, तो उनको हाँ जी आप सर, कर हाँ सकते हो। या जी सर, फिर आप यदि उसको पब्लिक अथॉरिटी घोषित करवाना चाहते हैं, तो फिर सेक्शन 18 में सीधे आप सूचना आयोग जा सकते हैं कि इसको पब्लिक अथॉरिटी घोषित करें, ये भी आप कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन उसको तो फंडिंग हाँ वगैरह जी साबित करना पड़ता है, तो फंड सर, यदि नहीं है तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो, जिनको जैसे पब्लिक स्कूल होते हैं ना, तो ये सबको वो जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है उनके अंतर्गत ही आते हैं, तो वहां पे आप कर सकते हैं कि वो स्कूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड में है वो मिल सकती है। और यदि आपको शिकायत करनी है कोई, तो शिकायत नॉर्मली आप अपने डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल ऑफ स्कूल से, या जो बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो भी जिस लेवल का स्कूल है, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक पढ़ाई होती है वहां पे? नर्सरी से 12th तक। हाँ, नर्सरी से 12th तक। ओके, तो ये सब उसमें आ जाते हैं। तो ये बेसिक में भी आता है, उच्च माध्यमिक में भी आता है ना, माध्यमिक शिक्षा भी है इसमें, तो वो शिक्षा अधिकारी को भी आप लिख सकते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाय द वे उनको जैसे एनएसएस वहाँ है तो उनको वित्त वहाँ से भी प्राप्त होता है, इसके अलावा वो सर वो गवर्नमेंट की जमीन पर भी बना हुआ है, उसको लीज पर ले रखा है उस जमीन को, इसके अलावा वहाँ हाँ जी, आरटी के ये बच्चे, सब आरटी सबूत है के तो फिर बच्चे भी आप, पढ़ते हैं हाँ यस, ये सब है सर तो फिर आप वो। उसमें सूचना आयोग भी जा सकते हैं, तो फिर आप उसको पब्लिक अथॉरिटी भी साबित कर सकते हैं ये सब एविडेंस के आधार पे। हाँ सर जी क्या सर, प्राइवेट मतलब हाँ जी सर, यूनिवर्सिटी में हम लगा सकते हैं आरटीआई? सर यही पूछ रहा था ना मैं, प्राइवेट उसमें लग सकती है ना, मतलब ये मैं बीओ के माध्यम से ऐसा ना, करूंगा तो अगर। यदि कोई बोलता है कि हम आरटीआई के दायरे में ही नहीं आते, तो फिर आपको सेक्शन अठारह हाँ में आयोग से पब्लिक अथॉरिटी घोषित करवाना पड़ेगा। एक बार पब्लिक अथॉरिटी सर, घोषित कर देंगे आयोग को, उसके बाद वो आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे। प्राइवेट अच्छा सर, यूनिवर्सिटी प्राइवेट सर जैसे, तो लेकिन आपने बताया कि जैसे गवर्नमेंट जमीन है, ये है वो है, तो जो जो चीजें हैं फंडिंग वगैरह उनको जो मिलता है, तो ये सब एविडेंस यदि आप दे सकते हैं, तो फिर आप सेक्शन 18 में जाइए। अदरवाइज जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को रेगुलेट करता है, तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पोजेशन में जो सूचना है लिमिटेड, वो केवल आपको मिल सकती है। जैसे सरकारी विभाग को कुछ जानकारी अच्छा उनको देनी पड़ती है ना, जैसे कि वो कोई बोर्ड वगैरह होता है, तो बोर्ड क्योंकि वो 10वीं 12वीं की एग्जाम ले रहे हैं, तो बोर्ड के भी अंतर्गत आते हैं, तो जो शिक्षा बोर्ड है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उनके पास भी उस स्कूल की कोई सूचना रहती होंगी, तो उनके पोजेशन में जो है केवल वो सूचना आपको मिलेगी। और यदि उसको पब्लिक अथॉरिटी आप घोषित करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको आयोग जाना पड़ेगा कि धारा 2H में इसको पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर दिया जाए, और फिर आपको ये सब उनका जो फंडिंग है, उनका जमीन या उनका जो ग्रांट्स वगैरह कोई मिलती है या कोई बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से, तो ये सब चीजें आपको साबित करना पड़ेगा। धन्यवाद अच्छा सर। सर, अदरवाइज सर ठीक है, अदरवाइज मुझे जानकारी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। कार्यक्रम को यहाँ सर पर एक और बताते जाइए सर, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो आरटीआई में आती है या नहीं? यूनिवर्सिटी तो आती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना, दे आर एस्टैब्लिश अंडर स्टेट एक्ट। प्राइवेट यस यूनिवर्सिटी है, उसके भी असेंबली पारित करती है, चूंकि असेंबली ने पारित कर दिया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो है। उसके अलावा एक बार आत्मदीप साहब ने भी बताया था, यूजीसी ने सर्कुलर जारी किया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सब आरटीआई के दायरे में आती है। तो सर्कुलर के आधार पर भी आप ये कर सकते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी का मामला है ये? सर, ये मुरादाबाद में है सर, IFTM यूनिवर्सिटी। मुरादाबाद, IFTM। हाँ, तो ये यूनिवर्सिटी है, तो फिर उसमें आरटीआई के दायरे में आती है। ओके थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और विशेष तौर पर बीरेन जी और ताराचंद जी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया, और हमेशा ही आप सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो आज का कार्यक्रम हमारा जो था वो रेरा पर एक बार पुनः है, और आरटीआई से संबंधित इशू जैसे हमेशा ही रहते हैं। अगले संडे को फिर कोई टॉपिक देखते हैं, जो भी उचित आप लोगों कुछ सजेशंस वगैरह भेजते रहा करिए, तो उस तरह से भी उठा लिया जाएगा। और दिवाली के बाद कुछ कार्यक्रम शायद रखने का प्लान है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इशू था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन,
एसबीआई वगैरह ने क्या कुछ जानकारियां दी, क्या उसमें चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, एडीआर और कॉमन कॉज के लोग यदि आ जाते हैं तो उसका भी प्लान चल रहा है सर, उनके साथ मैं मिलकर। चाहता हूँ जी सर, मैं चाहता हूँ कि एक वेबिनार आप, जो ये लॉ कॉलेजेस हमारे भारत में चल रहे हैं जिनका बीसीआई, मतलब 5 नियम ये कहता है कि 5 साल में आपको इनका इंस्पेक्शन करना है, फिर इन्हें वो देना है एप्लीकेशन, पर वो बिना इंस्पेक्शन करे इन्हें एप्लीकेशन देता जाता है सर, इस पर भी रखें आप एक, ठीक मैं है, चाहूंगा ये बिल्कुल। हाँ वो लीगल वाले जो लोग हैं उनसे अपन चर्चा करके आपका ये भी हमारे व्हाट्सएप में भी आप भेज दीजिएगा एक आध बार और रिमाइंड कर दीजिएगा, इसको देखते हैं बीच में। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि तो सर इसमें शिक्षा क्षेत्र में और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज में भी काफी भ्रष्टाचार है। पहले एआईसीटीई पर भी मैं आरोप खुद लगे थे लॉ कि पता स्टूडेंट हूँ सर, उसका मैंने देखा कि मेरा कॉलेज बीसीआई से एफिलिएटेड है पर उसका इंस्पेक्शन होता ही नहीं है, और सर वो पढ़ाते पढ़ाते है नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर आ गई थी कि सूटकेस में पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए दो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं। उसका इशू तो काफी चला एआईसीटीई था। पर सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी और ये एआईसीटी के मामले में सीबीआई इंक्वायरी के 2017 में ऑर्डर दिए थे, लेकिन हाँ बाद में उस इंक्वायरी का क्या हुआ ये पता नहीं चला। तो इस तरह की जो रेगुलेटरी बहुत अथॉरिटीज है, एमसीआई के चेयरमैन है वो भी 2 करोड़ की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, ऐसे भी केसेस हुए। तो ये उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है वो एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि जिसमें जो भी सर रेगुलेटरी उस पर प्लीज आप अथॉरिटीज रखें वेबिनार सर, मैं है हम्बली रिक्वेस्ट है। मेडिकल जब कॉलेज, हाँ सर, इंजीनियरिंग कॉलेज या अपन कॉलेज अपन या रख विल लेंगे यूनिवर्सिटी बना दिया जाता जी, है। यस बिल्कुल वीरन जी, अपन ये कार्यक्रम तो रखेंगे ही, लेकिन इस स्तर में जो गड़बड़ियां हैं इसको ठीक करने के लिए ऊपर स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर और स्टेट, मतलब जो हेड हैं वो, जब उनकी इच्छा शक्ति होगी इसको करने के लिए तभी हो पाएगा, वरना आप जानते हैं सब ऊपर ही ऊपर सफा हो जाता है, गोल हो जाता है मामला, हाँ ये फिर है ना। तो ये भी सर हम चीजें इसको हाईलाइट तो कर ही सकते हैं ना सर, तो हाईलाइट हमें क्या कर करना है, हम तो छोटा सा अपना कार्यक्रम है, अपन इसमें हाईलाइट कर ही रहे हैं, करते ही हम लोग तो चर्चा करते हैं, लेकिन इसके पहले जैसा बीरेन जी बता रहे हैं इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ इसमें मीडिया में भी आ चुका है और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में सारी चीजें हैं, तो इसमें हाईलाइट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पर चूंकि कार्यक्रम है तो अपन जरूर रखेंगे और एक बार पुनः चर्चा करेंगे, आप लोगों की इच्छा है तो निश्चित तौर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो अगले संडे को फिर से मिलते हैं। धन्यवाद बीरेन जी, देवेन जी, सभी का, राजकुमारी जी, धन्यवाद। थैंक जयपाल सिंह जी, सभी यू। जी, कुलदीप जी।